जलवाए जाना, जलवाए जाना, जलवाए जाना, जलवाए जाना, मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह الذي لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الضوائر الحمد لله الذي يعلم عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار الحمد لله الذي يعلم مقاييل البحار ومثاقيل الجبال لا تباري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قاره ولا جبل ما في وعره الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों, अल्लाह ताला ने खत्म कुरान की तौफीक दी सुनने वालों को, सुनाने वाले को। यह हमारी मस्जिद आयशा का खत्म कुरान है और अल्लाह करे शब कदर भी हो। जरूरी तो नहीं है कि 27 ही शब कदर हो, चूंकि इसको अल्लाह ने फिराया है 21, कभी 23, कभी 25, कभी 27, कभी 29। आप भी और मैं अल्लाह से मांगते हैं कि ये अल्लाह आज ही कर दे, तेरे लिए क्या मुश्किल है। कुरान एक पैगाम है, हाज़ा बलाग़ुल लिन्नास, हाज़ा बलाग़ुल लिन्नास, पैगाम है लोगों तक पहुंचाने के लिए। किसका पैगाम है, किसने ये पैगाम दिया, कौन लाया, किसने पहुंचाया? हमारे देश में कुरान सिर्फ फातिहा खानी के लिए रह गया है, मैयत पढ़ने के लिए रह गया है, ये भी पढ़ना ही है, मरने के बाद मरने वाले के लिए यही तो चीजें जो उसकी खबर तक, उसके अमाल तक पहुंचती हैं, उसकी बख्शिश का जरिया बनती हैं। लेकिन
क्या कुरान सिर्फ इतने ही काम के लिए है कि मैयत के लिए पढ़ दिया जाए? कोई कुछ लोग फाल निकाल रहे होते हैं, फाल नामा कुरान से ले लिया जाए, सिर्फ नमाजों में पढ़ लिया जाए। कुरान एक पैगाम है अल्लाह का, कुरान एक पैगाम है जमीन आसमान के शहंशाह का, कुरान एक पैगाम है उस जात का जिसे किसी ने नहीं बनाया और उसने सबको बनाया है। कुरान एक पैगाम है उस अल्लाह का जिसे जवाल नहीं। कुरान एक पैगाम है उस अल्लाह का जो फना से पाक है। कुरान एक पैगाम है उस अल्लाह का जिसकी इब्तिदा कोई नहीं। ये वो अल्लाह है जिसकी इंतहा कोई नहीं। ये वो अल्लाह है जिसकी हाजत कोई नहीं। ये वो अल्लाह है जिसको जमान मकान की जरूरत कोई नहीं। ये वो अल्लाह है जो संगी शराकत पार्टनरशिप से पाक है। ये वो अल्लाह है जो जुदब्बिर बिला मुशीर, जो निजाम बनाता है मशवरा लेने से पाक है, मशवरे की जरूरत नहीं। ये वो रब है काहिरुन बिला मुईन, सारी कायनात पर उसका कब्जा है, हावी है और उसका मददगार कोई नहीं। ये वो अल्लाह है जो नींद से पाक है, ऊंग से पाक है। ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम, कुरान वाले का नहीं पता लिहाजा कुरान रुल गया। ये तो कुर्बान जाऊं उस मालिक पर जिसने हिफाजत का जिम्मा लिया। फिर भी उस उम्मत को शाबाश है, सारी कमियों के बावजूद इस उम्मत ने कुरान को सीने से लगाया, अपने अंदर महफूज किया और आज 1436वां साल जा रहा है। जेर जबर के बगैर ये कुरान इस उम्मत के अंदर मौजूद है। तौरात 50 साल के बाद टोटली चेंज कर दी गई। जबूर में तो कुछ था नहीं, सिर्फ नसीहतें थी, नसीहत। इंजील को तब्दील कर दिया, तब्दील करने वाले उनके अपने उलमा, युहर्रिफून अल-कलिमा अम मवाज़िही। लेकिन इस उम्मत के उलमा का बहुत बड़ा तबका हर दौर में, आज भी है, आइंदा भी रहेगा, पीछे भी आया, कि जिन्होंने दीन पर सौदा कोई ना किया, आरों से चिर गए, सूलियों पर चढ़ गए, टुकड़े टुकड़े हो गए, बाजार में फिराए गए, जलील व ख्वार किए गए, बोटी बोटी उनकी उधेड़ दी गई, लेकिन उन्होंने इस कुरान को सीने से लगाया, इसे बेचा नहीं, बादशाहों की चौखट पे सजदा रेज नहीं हुए। होने वाले भी हर दौर में थे, बेचने वाले भी हर दौर में थे। ये उम्मत मासूम नहीं है, इसमें भी गुनाहगार भी हैं, खतावार भी हैं, नेकोकार भी हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, लेकिन इस उम्मत ने इस अपने दीन को संभाला, अपने कुरान को संभाला और ये आज उसी तरह मौजूद है जिस तरह मेरे नबी पर उतरा था, जिस अलिफ लाम मीम के साथ उतरा था उसी अलिफ लाम मीम के साथ मौजूद है, जिस वन्नास के साथ उतरा था उसी वन्नास के साथ मौजूद है, जिस अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के साथ उतरा था उसी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के साथ सीनों में मौजूद है। गफलत है, अल्लाह दूर कर देगा। नाउमीदी की बात कोई नहीं है। नाउमीदी तो तब हो कि मैंने करना हो या आपने करना हो या हाकिम वक्त ने करना हो, करना मेरे अल्लाह ने है, अल्लाह ने है, और अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है। ये पैगाम मेरे अल्लाह का है, ये पैगाम अल्लाह का है, जो अल्लाहुस्समद है, जो अल्लाह लम यलिद है, जो अल्लाह वलम युलद है, जो अल्लाह वलम यकुल्लहु कुफवन अहद है। ये पैगाम मेरे अल्लाह का है। जमीन जिसके कब्जे में है, आसमान जिसकी मुट्ठी में है, हवाएं जिसकी गुलाम है, सूरज चांद जिसके सामने सजदा रेज हैं, अश्शम्स वल कमर वन नुजूम मुसख्खरात बे अमरे, चांद सूरज सितारों पर जिसका राज है, खलक सबा समावात व मिलल अर्द मिस्लहुन, सात जमीन आसमान का बनाने वाला, यतनज्जलुल अमरु बैनहुन, सात जमीन आसमान में उसी का अमर चलता है, व औहा फी कुल समाइन अमरहा, हर जगह उसने हर आसमान को अपने अमर के साथ बांधा, हुक्म के साथ बांधा और इस बांधने में किसी से मदद नहीं ली। फरिश्ते अपनी शहनशाही के लिए बनाए हैं, अल्लाह की कसम फरिश्तों का मोहताज नहीं है, फरिश्ते अपनी शहनशाही के लिए, अर्श अपनी शहनशाही के लिए मोहताज नहीं,
कुर्सी का मोहताज नहीं, अर्श का मोहताज नहीं, हवाओं का मोहताज नहीं, पानियों का मोहताज नहीं, किसी का मोहताज नहीं, सब उसके मोहताज हैं। ये उस अल्लाह का पैगाम है। मैं उसका थोड़ा सा खुलासा बताना चाहता हूं। पहले ये बताना चाहता हूं कि वो है कौन, है कौन। मेरे देश के लोगों ने तो अल्लाह कहना ही छोड़ दिया, खुदा ही कहते हैं। आज बहुत सी खलकत सुन रही है इस मीडिया के जरिए, एक तो मेरी बात मानो, खुदा ना कहा करो, अल्लाह कहा करो। कहो अल्लाह, फिर कहो अल्लाह, फिर कहो अल्लाह। आए हा, आसमान तक नूर फैल गया है। खुदा मेरा बनाया हुआ लफ्ज है, अल्लाह अल्लाह का अपना बनाया हुआ नाम है। और तुम पाकिस्तान वालों ने मुझे उलमा से गिला है, सूफिया से गिला है, मुझे अवाम से गिला है, मुझे खवास से गिला है, मुझे लिखारियों से गिला है, मुझे खतीबों से गिला है। अल्लाह कहते ही नहीं, खुदा खुदा मैं कड़ा पे आना भी खुदा आखना नजायज है। ओ खुदा उसे कहते हैं जिसे किसी ने ना बनाया हो, उसको कहते हैं खुदा, खुद आ। पर अल्लाह कौन, नूर समावात वल अर्द, पर अल्लाह कौन, यब्दअल खल्क थुम्म युईदु, कुरान से बोल रहा हूं, अल्लाह ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल कय्यूम, इन्नी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फइन तवल्लौ फकुल हस्बियल्लाह इन्नी अनल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम। देखो अल्लाह को, अल्लाह को, अल्लाह अपने, अल्लाह अपने नाम के साथ किस तरह अपने कुदरत, अपनी ताकत, अपनी हैबत, अपना जलाल, अपनी किबरियाई, अपनी शहनशाही को बता रहा है। अल्लाहु यब्दअल खल्क थुम्म युईदुहु, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु अलिफ लाम मीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्लाहु। अल्लाह 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 कुरान गूंज रहा है, गूंज। और तुम सारे खुदा 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 खुदा। और मैं नहीं कह रहा हूं गलत है, मैं कह रहा हूं इसमें वो नूर नहीं जो अल्लाह में है, अल्लाह में है, अल्लाह में है। एक औरत कहती है या खुदा, अल्लाह कहेगा लब्बैक। एक मर्द कहता है या खुदा, लब्बैक। एक सिफत से पुकारा, मैं कहता हूं या अल्लाह, कहो अब मैं तुम्हारे सामने अल्लाह के नाम पढ़ता हूं, या रहमान अर रहीम अल मलिक अल कुद्दूस अस्सलाम अल मुमिन अल मुहैमिन अल अजीज अल जब्बार अल मुतकब्बिर अल खालिक अल बारी अल मुसव्विर अल गफ्फार अल कहार अल वहाब अर रज़ाक अल फत्ताह अल अलीम अल काबिद अल बासित अल खाफिद अर राफि अल मुइज़ अल मुज़िल अल समीअ अल बसीर अल हकम अल अदल अल लतीफ अल खबीर अल हलीम अल अज़ीम अल गफूर अल शकूर अल अली अल कबीर अल हसीब अल मुकीत अल करीम अल जलील अल रकीब अल मुजीब अल वासी अल मजीद अल बाइथ अल शहीद अल हक अल हकीम अल वदूद अल वकील अल कवी अल मतीन अल वली अल हमीद अल मुखसी अल मुब्दिल अल मुईद अल मुहयी अल ममीत अल वाजिद अल माजिद अल वाहिद अल अहद अल समद अल कादिर अल मुक्तदिर अल मुकद्दिम अल मुअख्खिर अल अव्वल अल आखिर अल ज़ाहिर अल बातिन अल वाली अल मुतआल अल बर्र अल तव्वाब अल मुंतकिम अल अफ़ुव्व अर रऊफ मालिक अल मुल्क ज़ुल जलाल वल इकराम अल मुक्सित अल जामे अल गनी अल मुग्नी अल माने अल दार अल नाफ़ि अल नूर अल हादी अल बदीउ अल बाकी अल वारिथ अल रशीद अल सबूर जल्ल जलालुहु। मेरी घड़ी पर नजर है, मुझे 1.5 मिनट लगा है। मैं कहता हूं या अल्लाह, तो इस या अल्लाह में मैंने अल्लाह के सारे नाम पुकार दिए, सारे पुकार। तुम कहते हो या खुदा, तुम एक नाम से पुकार। मैं कहता हूं या अल्लाह, ए मेरे अल्लाह। तो जितने मेरे ये नाम, तो मेरे नबी ने एक रिवायत में बताए, ये मैंने तिरमिजी के रिवायत के नाम पढ़े, इब्न माजा की रिवायत में कुछ नाम और हैं, वहां भी 99 हैं, यहां भी 99 हैं, वहां कुछ और नाम हैं, यहां कुछ और नाम हैं। और ये वो हैं जो मेरे नबी ने बताए, और जो नहीं बताए वो इससे ज्यादा हैं। जो अल्लाह के गैबी खजानों में है वो उससे भी ज्यादा हैं। अल्लाह अपनी जात में लामहदूद है,
उसकी सिफात लामहदूद हैं, उसके सिफाती नाम लामहदूद हैं। जब कोई मर्द और कहता है या अल्लाह तो अल्लाह के तमाम नामों से पुकारता है, सातों आसमान में हलचल मच जाती है और पूरा अर्श फर्श लब्बैक की सदाओं से गूंज उठता है। ये अल्लाह का पैगाम है। हादा बलागुल लिन्नास। भूलना भी भूल गए ना, भूल दे, भूलना तो भूलना होता है, भूलना भी भूल गए। ये पैगाम लाने वाला कौन है? जिब्रील रूहुल कुदस قول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين مطاع ثم امين। सबसे ताकतवर फरिश्ता, सबसे अल्लाह के करीब फरिश्ता जिब्रील उतरा किस पर है? पेश करने वाले कौन है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक पेश करने वाली हैं। वो कौन है? गई बिजली। जैसे हम अल्लाह को नहीं जानते, ऐसे ही आज अल्लाह के रसूल का भी तारुफ कोई नहीं है। कलमे से ना आशनाई है, कलमे से दूरी है, कलमे से दूरी ने हमें अपने दीन से दूर कर दिया। ये कौन हस्ती हैं जिन्हें अल्लाह ने सारी कायनात से चुनकर अपना हबीब बनाया? ओ भाई को आवाज ही कोई नहीं, मैं कैसे बोलूं? जा रही वो इनको नहीं सुनाई दे रही। अच्छा अच्छा सबर करके सुनो, सबर करके सुनो। मेरा अल्लाह अपनी जात में लामहदूद, सिफात में लामहदूद, उसने अपने इल्म से अपने हबीब का इंतखाब किया, अपने रसूल का इंतखाब किया। सारी कायनात में सबसे अजीम हस्ती मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये पैगाम पेश करने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये पैगाम बताने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये पैगाम समझाने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे रब ने अपने नबी का तारुफ कैसे करवाया? पिछली किताबों से शुरू करता हूं। पिछली किताबों से आसमान से वही उतर रही है। युरीद अन यबअथ उम्मीयन मिनल उम्मीयीन ला यकूलुल खिना। एक नबी आने वाला है जो कभी फजूल बोल नहीं बोलेगा, कभी दुख देने वाला बोल नहीं बोलेगा। अजअलु सकीनत लिबासहु वल बिर्र शिआरहु वल हक मंतकहु वल अदल सीरतहु वल इस्लाम मिल्लतहु अल अफ वल मारूफ खुलकहु अस सिदक वल वफा तबअहु अल इस्लाम मिल्लतहु अहमद इस्महु अहदी बिही बाद अल दलाला व अरफ बिही बाद अल खमाला व अक्थर बिही बाद अल आइला وأغني به بعد العيلة وأكثر به بعد القلة وأؤلف به بين أهواء مختلفة وقبائل مختلفة وأهواء شتى واستنقذ به فئاما من الناس عظيما من الحلقة। ये मैंने आपको बड़े जमाने बाद ये हदीस मेरी जबान पर आई है। लफ्ज ऊपर नीचे हो सकता है हो गए हों, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अल्लाह के फजल से मैंने आपके सामने मेरे अपने नबी की पिछली किताबों में से आपकी सिफात पेश की हैं कि ऐ दुनिया के इंसानों, अल्लाह एक हबीब को चुन चुके हैं, अल्लाह एक अपना महबूब बना चुके हैं। वह ऐसे अजीम शान होंगे कि काबा कौसैन तक मकाम है, मकाम में महमूद उनका मुंतजर है, शफात कुबरा उनकी मुंतजर है, अल्लाह का झंडा उनके हाथ में है, जन्नत की चाबी उनके हाथ में है, खत्म नबूवत का ताज उनके सर पे सजा हुआ है, कायनात का वो खुलासा है, कायनात के सबसे अजीम अफजल बरतर हैं, खानदान में सबसे आला हैं, जात में सबसे आला हैं, वजूद में सबसे आला हैं, कायनात का खुलासा बन के उतारे गए हैं, सारी कायनात का अर्क निकाल के अरब बनाए, सारे अरबों का अर्क निकाल के मुजर बनाया, सारे मुजर का अर्क निकाल के कुरैश बनाए, सारे कुरैश का अर्क निकाल के हाशिम बनाया, सारे हाशिम को निचोड़ कर उसमें से मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फूल खिलाया। सबसे अफजल, सबसे बरतर, सबसे आला
نام دیا، کبھی محمد، کبھی احمد، کبھی ماحی، کبھی حاشر، کبھی عاقب، کبھی فاتح، کبھی ابو القاسم، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی پیار سے پکارا ایہا النبی، کبھی عزت سے پکارا ایہا النبی، کبھی احترام سے پکارا، پروٹوکول سے پکارا ایہا الرسول، کبھی محبت سے پکارا ایہا المزمل، کبھی لارڈ سے پکارا ایہا المدثر، یہ لارڈ ہے، ایہا المدثر یہ پیار ہے، ایہا المزمل یہ پروٹوکول ہے، ایہا الرسول یہ عزت ہے، ایہا النبی نیچے سے اوپر، یا ایہا النبی ایک سٹیپ، یا ایہا الرسول دوسرا سٹیپ، یا ایہا المزمل تیسرا سٹیپ، یا ایہا المدثر چوتھا سٹیپ، کبھی محمد، کبھی احمد، کبھی ماحی، کبھی حاشر، کبھی عاقب، کبھی فاتح، کبھی خاتم، کبھی ابو القاسم، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی شاہد، کبھی مبشر، کبھی نذیر، کبھی داعی اللہ، کبھی سراج منیر، کبھی مزمل، کبھی مدثر، کیا نام دیے ہیں میرے اللہ نے اپنے محبوب کو، ساری کائنات کا خلاصہ بنا کر ساری کائنات کی سرداری عطا فرمائی، ساری کائنات کی عزتیں عطا فرمائی، خاندان میں ایسے اعلیٰ کہ آدم علیہ السلام تک آپ کا نسب نامہ محفوظ، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوس بن قموال بن ابی بن عظام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اقنات بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن سارے بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہل عیل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام. ہاں یہ میرے نبی کا نسب ہے، میں اپنے نبی کے در کا مراسی ہوں، بھنڈ ہوں، نٹ ہوں، پیرنا ہوں، میں عالم نہیں، میں خطیب نہیں، میں واعظ نہیں، میں ذمہ دار نہیں. میں جب روزے پہ جاتا ہوں میں سلام یوں پیش کرتا ہوں، میں سارا نسب پڑھتا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کا مراسی آیا، مجھے میرے پاس علم ہے ہی نہیں، میں تو ایک طالب العلم ہوں، تیرے اور تیرے نبی کی رضا کا طلبگار، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں جیسے میرا ذمہ دارہ بیک گراؤنڈ ہے، باپ دادے پردادے ذمہ دار تھے بڑے، ان کے مراسی ہوتے تھے، وہ آ کے ان کی تعریفیں کرتے تھے، جھوٹی تعریفیں کر کے جھولیاں بھر کے لے جاتے تھے، آج تک میں اپنے مراسیوں کو جیبیں بھرتا ہوں، ان کی بچیوں کی شادیاں کرواتا ہوں، جو کچھ کرتا ہوں. مجھے نہیں پتا میرا یہ ممبر پہ بیٹھنا کروڑوں لوگ اس بیان سن رہے ہیں کہ میرا قبول ہے یا مردود ہے، غار میں بیٹھا ہوا دعویٰ نہیں کر سکتا میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میں ممبر پہ بیٹھ کے کیسے دعویٰ کروں کہ میں اللہ کے، ہاں میں نے ان سے کوئی پیسہ نہیں لیا، یہ بھی ایک فخر بن گیا ہے، یہ بھی ایک تکبر بن سکتا ہے کہ یہ بھی تیری ریاکاری ہے کہ تو کہتا پھرتا تھا کہ میں نے پیسے نہیں لیے، لہذا یہاں بیٹھنا مشکوک ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، یہ موت پہ پتہ چلے گا کہ یہ زبان اللہ کے لیے بولتی رہی ہے، اپنی واہ مجھے نہیں پتا. وما ابر نفسی، میں اپنی پاک دامنی کیا بیان کروں، میں گناہگار مسلمان ہوں، نیکی کر کے خوش ہوتا ہوں، گناہ کر کے پریشان ہوتا ہوں، بھائی یہی میرے ایمان کا لیول ہے، میں کوئی بڑے درجے کا ایمان والا نہیں ہوں، اور میں اپنے نبی کے حدیث کے آثر پر زندہ ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا تھا اذا ساءت کا سیئۃ وسرت کا حسنۃ فانت مومن، تو نیکی کر کے خوش ہو اور گناہ کر کے پشیمان ہو تو ایمان والا ہے.
मैं कोई बड़े ईमान वाला नहीं हूं, एक मीडियोकर सा मुसलमान हूं, लेकिन मैंने अल्लाह के नबी का नसब पूरी दुनिया में सुनाया, हर बयान में दोहराता हूं। खतीब आदमी एक बात करके दोबारा नहीं दोहराता, मैं हर बयान में दोहराता हूं कि मैं अल्लाह के नबी के दर पे खड़े होके कहता हूं, मैं आपका मरासी हूं, मैं आपके खानदान की तारीफ करूंगा, मेरे बाप दादा की तारीफ करके मेरे मरासी मुझसे लेकर जाते, मैं तो छोटा जा जिम्मेदार हूं, आपसे बड़ा सरदार कौन है? अस्सलातु वस्सलाम अलैक या रसूल अल्लाह, बिन अब्दुल्लाह, बिन अब्दुल मुत्तलिब, बिन हाशिम, बिन अब्द मुनाफ, बिन कुसई, बिन किला, बिन मुर्रा, बिन काब, बिन लुबई, बिन गालिब, बिन फहर, बिन मालिक, बिन नदर, बिन किनाना, बिन खुजैमा, बिन मुदरिका, बिन इलियास, बिन मुदर, बिन नजार, बिन मुआद, बिन अदनान, तोड़ अखीर आदम तक मैं सलाम पेश करके कहता हूं, सरदारियां कायम, हसन हुसैन दे दे रे आबाद, अली दे दे रे आबाद, जाफर अकील अब्बास दे दे रे आबाद, ये तो डेरे हैं सलामत रहने वाले, साढ़े डेरे की कड़ी गल, आज आबाद इन तक उथे का ही नहीं बुलेंदे, जाओ अजल ही ने छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफा थे बिहारा, हर एक लेके क्या क्या ना हसरत से धारा, पड़ा रह गया सब यूं ही ठाठ सारा, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, इबरत की जा है तमाशा नहीं है, मिले खाक में अहले शां कैसे कैसे, मिठे नामियों के निशान कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, इबरत की जा है तमाशा नहीं है, यही तुझको धुन है रहूं सबसे आला, हो जीनत निराली हो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्न जाहिर ने धोखे में डाला, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, इबरत की जा है तमाशा नहीं है, तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, इबरत की जा है तमाशा नहीं है, टुक हिर्स हवस को छोड़ मियां, मत देश बदेश फिरे मारा, कज़ाक अजल का लूटे है दिन रात बजा कर नक्कारा, क्या बदिया भैंसा बैल शुतर, क्या गूनी पल्ला सर भारा, क्या गेहूं चावल मोठ मटर, क्या आग धुआं और अंगारा, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा, जाओ उठते जनाजे देखो गाने ना सुनो, रोनी रोने वालियों के बहन सुनो, घुंघरू की छन छन न सुन, चूड़ियां टूटने की छनकार सुन, के मरने वालों पर बैन सुनो, टूटी कब्रें खंडर महल, वीरान हवेलियां शिकस्ता इमारतें देखो, उनसे पूछो कहां चले गए जिनके हटो बचो के शोर थे, कहां चले गए जो कहते थे पाकिस्तान मेरे मोटे थे खलोता है, आज उसकी कब्र का निशान नहीं, कहां चले गए जो कहते थे मैं ना होमा था मेरा कम नहीं चलता, आज कब्र ने तेरी हड्डियों को भी गला के चूरा चूरा कर दिया है, कहां चले गए बड़े नामवर शाहजोर शाह सवार, किधर हैं, मौत ने खा लिया, मौत ने जेरो जबर कर दिया, उनकी दास्तानों को माजी के अंधेरों में धकेल दिया, और उन्हें हर्फ गलत की तरह मिटा दिया, किताबों से मिट गए, याददाश्तों से मिट गए, जिनके बड़े शोर थे, जिनके नाम के डंके बजते थे, आज उनका नाम कोई जानने वाला नहीं है, मेरे नबी का नाम हमेशा जिंदा रहेगा, मेरे नबी का घर हमेशा जब भी तो हुसैन को नेजे पे चढ़ाया गया, ये छुरी सबसे पहली गिरी इस्माइल पर, अल्लाह ने इस्माइल को खींच के निकाल लिया, हजरत इस्माइल छुरी के नीचे आए, अल्लाह ने निकाल लिया, छतरा डाल दिया, ये छुरी चलने वाली थी हजरत अब्दुल्ला मेरे नबी के बाप पर, अल्लाह ताला ने 100 ऊंट जबा करवा के अब्दुल्ला को निकाल लिया, फिर जब आई हुसैन की बारी तो फिर छुरी ने चल के दिखाया, और हुसैन ने सब को नेजे पे चढ़ा के दिखाया, फिर वो अकेला नहीं नेजे पर चढ़ा, उन्होंने कहा अब्बास तू भी आ, तेरा सर भी नेजे पे होगा, उस्मान तू भी आ, बिन अली अब्बास बिन अली अबू बकर बिन अली हुसैन बिन अली सब आओ मेरे साथ नेजों पर चढ़ो, मेरे बच्चों आ जाओ,
अलियल अकबर आजा, तू भी नेजे पर चढ़। हसन के बेटे कासिम आ, तू भी नेजे पर चढ़। अब्दुल्ला तू भी नेजे पर चढ़। अबूबकर तू भी नेजे पर चढ़। मुस्लिम बिन अकील के बच्चों अब्दुर्रहमान अब्दुल्ला आओ नेजे पर चढ़ो। आज हम अपने नाना के दरबार में पहुंचेंगे सरों को लेकर, अपने खून की और अपने जिस्म की बोटियां लेकर, और सारी उम्मत को पैगाम देंगे कि अल्लाह को राजी करते हुए सर धड़ की बाजी लगाना सस्ता सौदा है। अरे तुम पैसे पर बिक गए, 10 रुपए पर ईमान बेच दिया। अरे क्या कर दिया तुमने, क्या कर दिया। पैसों के पुजारी बन गए, इज्जत के पुजारी बन गए, शहवतों के पुजारी बन गए। क्या कर रहे हो, किधर जा रहे हो, किधर जा रहे हो, कौन सी मंजिल है। अंधेरी रात के मुसाफिर न बनूं, भटका हुआ काफिला न बनूं, सहराओं में तड़पने वाले प्यासे इंसान की तरह मत बनूं। तुम्हारी मंजिल तुम्हारे सामने है। अल्लाह का कलाम रोज़े रोशन है, मेरे अल्लाह का नूर कायनात में है, मेरे नबी का नूर कायनात में है, उसके सहाबा का नूर कायनात में है, उसके घर का नूर कायनात में है। क्यों खोपे चढ़ा ले जे अखियां से। बैलों की होती थी काश्त, कभी कभी अपने बाप के साथ वो मुझे ले जाते तो वो बैल चल रहे होते थे, उनके खोपे चढ़े होते थे, खोपे अन्नेवा टोरी रखो, सोटा मारी रखो, टोरी रखो। अरे खोपे उतारो, दुनिया की मोहब्बत के ये चश्मे उतारो, हिरस और हवस के चश्मे उतारो, बुगज नफरत के चश्मे उतारो, माल की परस्तिश के चश्मे उतारो, शहवतों के चश्मे उतारो, झूठी इज्जतों के चश्मे उतारो, इन कुर्सियों सदारतों वजारतों के चश्मे उतारो, इन इज्जतों के चश्मे उतारो। मेरे रब की कसम, अगर अल्लाह रसूल नाराज है, हर इज्जत जिल्लत है, हर उरूज सवाल है, हर जमाल बर्बादी है, हर बुलंदी पस्ती है, हर कमाल सवाल है। अगर अल्लाह उसका रसूल राजी है तो चढ़ जा हुसैन की तरह सूली पर, नेजे पर। तुझे मुबारक, तुझे मुबारक। तुम मुर्दा यजीद को लान तान करते हो और जिंदा यजीदों के पीछे चलते हो। मुर्दा यजीद पर लानत और जिंदा यजीद को सल्यूट सलाम। ये कौन सी जिंदगी है, ये कहां का ईमान है, ये कहां की दोस्ती है, ये कहां की मोहब्बत है, ये कौन से दावाए मोहब्बत हैं। 10 रुपए पे ईमान बेच लिया, ये कौन सा इस्लाम है। ये मेरे नबी का, मेरे नबी के घर का, मेरे नबी के घर का इस्लाम तो बोटियों बोटियां कर देना है। जब जब आपकी बच्चियों को घसीटा गया तो जैनब ने पीछे मुड़ के देखा तो भाइयों के लाशें कटे पड़े थे, ऊपर घोड़े दौड़ चुके थे। तो हजरत जैनब ने कहा, वाह मोहम्मद, वाह मोहम्मद, अय या रसूल अल्लाह, आओ आज देखो तो सही। आदा हुसैन बिल आरा मुजम्मल बिद्दिमा मुकत्तअुल आदा, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आए तो सही, आज आपके हुसैन की बारात आई है, आज हुसैन ने सुर्ख जोड़ा पहना। कहां से? अपने खून के ताने बाने का। आज हुसैन ने सेहरा पहना है, किस चीज का? अपनी ही बोटियों का। आज उसने अपनी बोटियों को आपके दीन की खाद बना दिया है, अपने खून को आपके दीन के लिए पानी बना दिया है। वाह मोहम्मदा, वाह मोहम्मदा, ऐ मेरे नाना, ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे मोहम्मद, आओ तो सही, देखो तो सही। बना तो का सबाया व दुर्रियतों का मुकत्तला तस्वी अले। अरे जिस दीन के लिए नबी की बेटियों की चादरें तार तार हो, तुमने उस दीन को तार तार किया। जिस दीन के लिए मेरे नबी का घर ज़बह हुआ, तुमने उस दीन को ज़बह किया। तुम पैसे के पुजारी बने हो, तुम एमपीएशिप के पुजारी बने हो, तुम एमएनएशिप के पुजारी बने हो, तुम वजारतों के पीछे भागे, तुम झूठी इज्जतों के पीछे भागे, तुम सूद के पीछे भागे, तुम जुल्म के पीछे भागे, तुमने मेरे नबी के दीन को बेच दिया।
और दीन को फिरका वारियत की आग में धकेल दिया। आज इस्लाम के नाम पर आग है, नफरत है, कुफर के फतवे हैं, टके टके पर काफिर बना दो। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? आज मुबारक रात है, अल्लाह करे शब कदर हो, अल्लाह करे शब कदर हो, अल्लाह करे शब कदर हो। ये पाकिस्तान भी शब कदर, ये तो मैं पैदा तो नहीं हुआ था, लेकिन मुझे ऐसे दिल का विजदान है कि मेरे रब ने पाकिस्तान 27 रमजान की रात बनाया, वो रात यकीनन शब कदर होगी। एक देश दिया, एक टुकड़ा दिया कि चलो आओ, तुम मांगते थे हम देते हैं, आओ आओ, या मेरे दीन को जिंदा करो, माओं को इज्जत दो, बाप को वकार दो, बेटियों की के सर पे चादर डालो, काजी अदल करेगा, बादशाह रहम दिल होगा, रातों को उठ के रियाया की खबर लेगा, नौजवान खुददार गैरतमंद होंगे, बच्चियां हयादार पाक दामन होंगी, ताजर ध्यानदार होगा, जिम्मेदार रहम दिल होगा, गरीब खुददार होगा, बाजार सच्चाई से रोशन होंगे, तिजारतें दयानत से रोशन होंगी, अदालतों में कोई जुल्म का अंधेरा ना होगा, ऐवान शाही में कोई तकब्बुर का गुजर ना होगा, अमीर और गरीब में मोहब्बत होगी, सबकी बेटी सबके लिए बेटी होगी, सबकी माँ सबके लिए माँ होगी, रात के अंधेरे में चलने वाली बच्ची को भी इज्जत के लुटने का डर ना होगा। ये एक तसव्वुर दिया था, इस पर 6 लाख इंसान कुर्बान हुए, कोई रावी में बह गए, कोई सतलुज में बह गए, कोई चनाब में बह गए, कोई ब्यास में बह गए, कोई किरपानों का शिकार होकर टुकड़े टुकड़े हो गए, कई दरख्तों पर लटका दिए गए, कई इज्जतें नीलाम हो गईं। हाय, ओ मैं अल्लाह रहमत अली की कब्र को पर रहमत उतारे, जिसने इस मुल्क का नाम रखा पाकिस्तान, पाक जमीन, अल्लाह उसकी खबर रोशन करे, पाक जमीन गुनाहों से पाक होगी, जुल्म से पाक होगी, नाफरमानी से पाक होगी, सूद से पाक होगी, रिश्वत से पाक होगी, झूठ से पाक होगी, कत्ल व गारत से पाक होगी, और डाके से पाक होगी, नफरतों से पाक होगी, अदावतों से पाक होगी, फिरका वारियत से पाक होगी, हर किस्म के झूठ से पाक होगी, धोखे ख्यानत से पाक होगी, फ्रॉड से पाक होगी, एक पाक जमीन होगी। लेकिन लेकिन चमन में तख्त पर जिस दम शहे गुल का तजम्मुल था, हजारों बुलबुलें थी बाग में एक शोर था गुल था, खुली जब आंख नरगिस की न था जुज खार कुछ बाकी, बताता बागवां रो रो यहां गुंचा यहां गुल था, यहां गुंचा यहां गुल था। आंख खुलने पर पता चला कि जुल्म ही जुल्म, जुल्म ही जुल्म, झूठ ही झूठ, ख्यानत ही ख्यानत, तिजारत फ्रॉड बन गया, अदालतें जुल्म का अड्डा बन गई, मेरे देश का वकील कातिल के लिए एक मुकदमा लड़ने के लिए तैयार हो गया, बेगुनाह को बधवाने के लिए जेल में डालने के लिए तैयार हो गया, मेरे देश के जज के कलम की बोलियां लग गईं, मेरे देश का ताजर खोटा हो गया, दगाबाज हो गया, फ्रॉडिया हो गया, सूदखोर हो गया, मेरे देश का मालदार बखील हो गया, मेरे देश के गरीबों की बच्चियां नीलाम हो गईं, इज्जतें नीलाम हो गईं। अरे मेरे दोस्तों, मैं क्या क्या अपने दुखड़े सुनाऊं, मेरे शहर तलंबा में बाजार हुसन है, 1818 में रंजीत सिंह ने मुल्तान फतह किया था तो 3 बाजार हुसन बनाए, मुल्तान, करोड़ पक्का और तलंबा। तलंबा मेरा होम टाउन है, वहां से 3 किलोमीटर मेरा गांव है। चंद साल पहले मैं इन तवायफ बच्चियों से मिलना शुरू किया, अरे मेरा जिगर फट गया, किस कदर मजलूम है घुंघरू बांध के नाचने वाली, अरे कौन औरत है जिस्म के सौदे करे, कौन सी
बच्ची है जो खुशी से अपने जिस्म को बेचेगी। ये मैं, मुझे माफ करना, मेरे जज्बात मेरे काबू में नहीं है, मैं दुखी होकर बोल रहा हूं, मैं मुकर्रर नहीं, मैं फरियाद। एक आग है जो मेरे मुंह से निकल रही है, अल्फाज नहीं है, मेरे जज्बात की आग है जो अल्फाज के रूप में आगे जा रही है। मैं माफी चाहूंगा अगर मैं कोई ऊंच नीच कर जाऊं, मैं कोई सख्त जुमला बोल जाऊं, मैं माफी चाहूंगा। मैं सो अपने आप में नहीं हूं, मैं अपने इलाके उन्हें घुंघरू बताने वाले मेरे इलाके के जिम्मेदार थे जिन्होंने सखावत न की, उन गरीब बच्चियों को पालने की बजाय, उनकी शादियां करने की बजाय उन्हें घुंघरू बना दिया, उन्हें अपनी हवस की भेंट चढ़ाया, उन्हें अपनी हवस का निशाना बनाया। आज पूरे देश, जाओ किसी नाचने वाली से पूछ खुशी से नाच रही हो, किसी जिस्म बेचने वाली से पूछो खुशी से जिस्म बेच रही, जाओ पूछो उनसे, पूछो जो जिस्मों के सौदे करते हैं, उनसे पूछो जो अपनी हवस के लिए गरीबों की बेटियों की इज्जतों से खेलते हैं, उनसे पूछो जो अपनी हवस के लिए इज्जत गरीब बेटियों को घुंघरू पहनाकर उन्हें नचाते हैं, उनसे पूछो जो माल को हराम कमाते हैं और हराम खर्च करते हैं और वो भूल चुके हैं कि एक रब ऊपर है जो ना सोता है ना ऊंघता है ना थकता है ना आजिज है ना गाफिल है, और उसने एक दिन बनाया है। वला तहसबन अल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून, बता दो इन सब जुल्म करने वालों को रब देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है। कौन छुपेगा? ला यख्फा अलल्लाह मिन शैइन फिल अर्ध वला फिस समा ला यअज़ब अन रब्बिक मिन मिथ्क़ाल ज़र्रा يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور क्या इल्म अल्लाह बता रहा है, क्या हैबत ताकत जलाल किबरियाई जबरूत अल्लाह ताला बता रहा है। ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعها, याद रखो तीन का चौथा अल्लाह है। वला खमसतन इल्ला हुवा सादिसुहा, पांच का छठा अल्लाह है। वला अदना मिन ज़ालिक वला अक्सर इल्ला हुवा मआहुम, दो हो जाओ, एक हो जाओ, पांच हो जाओ, दस हो जाओ, अल्लाह साथ है, अल्लाह साथ है, अल्लाह साथ है, अल्लाह साथ है। तेरे अंधेरे तुझे छुपा न सकेंगे, तेरी तन्हाइयां तुझे छुपा न सकेंगी, तेरे अंडर द टेबल रिश्वत तुझे अल्लाह से छुपा न सकेगी, तेरा फाइलों पर गलत साइन करके प्लॉट बना लेना, कब्जे कर लेना तुझे अल्लाह से छुपा न सकेगा। बहुत ताकतवर, इन्नल कुव्वत लिल्लाह, कुल इन्नल अम्र कुल्लहु लिल्लाह, कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير। वो अल्लाह, वो अल्लाह, वो अल्लाह जो नींद ऊंघ से पाक है, देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है। वापस आओ, अल्लाह उसके रसूल की छाओं में आओ, अल्लाह उसके रसूल की छाओं में आओ, गलत राहों से वापस आओ। अल्लाह को पाने के लिए, अल्लाह को पाने के लिए, अल्लाह को पाने के लिए सारी कायनात चली जाए, सस्ता सौदा है। अल्लाह मिला सब कुछ मिला, अल्लाह ना मिला कुछ ना मिला। अरे अल्लाह पर अपना सब कुछ लगाओ, बच जाओगे। तू बचा बचा के न रखे इसे, आईना है वो आईना, कि शिकस्त हो तो अजीज तर है निगाह है आईना साज में। भाइयो भाइयो, अल्लाह को अपना बनाओ, ये कुरान का पैगाम है।
अल्लाह को अपना बनाओ। ये कुरान की सदा है, अल्लाह को अपना बनाओ। ये मेरे नबी की सदा है, अल्लाह को राजी करो। ये मेरे नबी के सहाबा की सदा है, अल्लाह को राजी करो। ये मेरे नबी के घर की सदा है, अल्लाह को राजी करो। अल्लाह को पाने के लिए हर करबला से गुजर जा, हर आगो खून के समंदर से गुजर जा, पर अल्लाह को नाराज ना कर, अल्लाह को नाराज ना कर। वो मिला सब कुछ मिला, वो ना मिला कुछ ना मिला। फिरौन की बांदी मुसलमान हो गई, औरत कमजोर, ऊपर नौकरानी और कमजोर, बांदी और कमजोर, जर खरीद। फिरौन को पता चल गया कि मुसलमान हो गई है। उसकी दो बेटियां थी, एक दूध पीती, एक साथ चलती, तीनों हाजिर। एक बहुत बड़े कड़ाह में तेल डाला, उसके नीचे आग जलाई, तेल खोलने लगा। जब खोलने लगा तो उसने कहा, अब बोल, इधर ये आग है दहकता हुआ तेल और इधर सोने और चांदी का ढेर, अगर मुझे रब मानेगी तो सोना चांदी तेरे ऊपर कुर्बान है, अगर मूसा के रब को रब मानेगी तो इस आग में पहले तेरी बेटियों को डालूंगा फिर तुझे डालूंगा। हा हाय, अय आशिक हूं मैं, इश्क कमों में दिल रखे वांग पहाड़ा हूं, सह सह बदियां हजार उलामे कर जाने बाग बहारा हूं, मंसूर जय चुक सूली दिते जुड़े वाकिफ कुल इसरारा हो, सजदियों सिर चाई नबाहो तोड़े काफिर कहन हजारा हो, आशिक सोई हकीकी जेड़ा कतल माशूक दे मन्ने, सिर नू जोड़े ते मुख ना मोड़े भावें सो तलवारा खन्ने, सच्चा इश्क हुसैन अली दबाहू सिर दिते ते राज न भन्ने। इश्क की जुबान और है, बेखतर कूद पड़ा आतिश इश्क में नमरूद, अक्ल महव हैरत है तमाशा इलबे बाम हमी, इश्क ते आतिश दोहे बराबर अते इश्क दताओ तक हिड़ा। अरे अल्लाह तुम्हें आशना कर देता, अपने इश्क का जायका चखा देता। और बांदी ने कहा, फिरौन दो है ना, मेरी सौ होती तो अल्लाह पे एक एक करके कुर्बान कर देता। चल जला, आज इश्क और ईमान का इम्तिहान है, चला। मेरा ताजर 10 रुपए पे झूठ बोलता है, ये ईमान वाली कह रही जला मेरी बच्चियों को, उन्हें बड़ी बच्ची को घसीटा, वो तो देख रही कि वो आग वो तेल, उन्हें कहा अम्मा अम्मा, अरे मैं तो बाप हूं मां नहीं हूं, आप बाप हैं मां नहीं है, मेरे अल्लाह ने अपनी मोहब्बत की तशबीह मां से दी है, बाप से नहीं दी, बाप से नहीं दी। जो माए मेरी बात सुन रही है तसव्वुर करो, है मैं कतर गया जमात में, मेरे दर्द हुआ, मैं हॉस्पिटल गया, इमरजेंसी से गुजरा, एक बच्चा छोटा सा 2 साल का, वो तड़प रहा था और उसकी मां उसको यूं देख रही थी, मैं देखो मैं अब भी रो पड़ा हूं, मुझे नहीं पता वो कौन थी, कोई अरबी होगी, वो उसको ऐसे देख के रो रही थी खामोश, जो उसके चेहरे पर दर्द था, अल्लाह की कसम हजारों सफे पढ़ दूं मैं उस मां के दर्द को पेश नहीं कर सकता जो उस दर्द से अपने बच्चे को तड़पता देख रही थी। इमरजेंसी में मैं तो इमरजेंसी से गुजरा, एक नजर मेरी उस खातून पर पड़ी और मेरा कलेजा अब भी कट रहा है और मैं अब भी रो रहा हूं, 15 साल इस बात को हो चुके हैं। ये मां है, ये मां है, इस मां का एक बोल बच्ची को बचा सकता है। और वो कह रही मां जी मुझे बचा लो, मुझे बचा। आए, आए, आए। उसको घसीटा, मां ऐसे सब्र की पहाड़ों में क्या सलाबत और शिद्दत है, जो आज उस मां ने अपने ईमान की शिद्दत को बताया, पहाड़ों में क्या इस्तेकामत है, जो आज इस बांदी ने अपनी इस्तेकामत को दिखाया और अल्लाह को बताया कि अल्लाह तेरे नाम पे यूं कुर्बान हुआ जाता है, पाकिस्तान की औरतों को बताया कि अल्लाह के नाम पे कैसे कुर्बान हुआ जाता है। वो चीखती रह गई और मां सब्र की तस्वीर खड़ी रही और उसने डाला
मछली की तरह तली गई, अब उधड़ गया उसका सारा गोश्त और हड्डियां तैरने लगी। फिर उन्हें छोटी बच्ची को उठाया, छोटी बच्ची तो पता भी नहीं था उस बिचारी को, वो तो गोद में थी, उसकी तो आह भी ना निकली। पहली तो कुछ चीखती चिल्लाई, उसकी तो आह भी ना निकली और वो तली गई। अम्मा की बारी आई, अम्मा की बारी आई, उसने एक अजीब बात कही, कहा फिरौन एक बात मेरी मानोगे? क्या? अरे अल्लाह के वास्ते अल्लाह की तरफ आ जाओ, कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो, कब तक जिंदा रहोगे, कब तक धोखे दोगे, कब तक फ्रॉड करोगे, कब तक शराबें पियोगे, कब तक मुंह काले करोगे, कब तक सूद रिश्वतों में गंदगी में गठर में जिंदगी गुजारोगे। आओ आज शब कदर है, अल्लाह करे हो, मैं दावा तो नहीं करता, अल्लाह करे हो, आज दरवाजे खुले हैं, आओ माफी मांगो और ले जाओ, मगफरत ले जाओ, जन्नत ले जाओ। फिरौन एक बात मानोगे? का क्या? का जब मुझे भी जला दो तो मेरी और मेरी बच्चियों की हड्डियां कहीं इकट्ठी दबा देना, फेंक ना देना। फिरौन ने कहा ठीक है, ऐसे ही करे, कूद गई। पूछो माओ से, मैं वो रात कभी नहीं भूल सकता, मुझे ऐसे अचानक याद आ गई, 40-45 साल पीछे चला गया, मुझे बुखार शदीद हुआ, मेरे बाप घर पर नहीं थे, गए हुए थे, सारी रात मेरी मां मेरे सराहने बैठ गई, सॉरी रॉ, मुझसे बोला नहीं जा रहा, वो बुलाती मैं बोल नहीं सकता था, पता नहीं मैं क्यों नहीं बोल पा रहा था, मुझे याद नहीं है, 10-12 साल मेरी उम्र थी। सारी रात मेरी मां मेरे सराहने पर ऐसे बैठी रही, बुत बन के बैठी रही। हां ये अल्लाह मोहब्बत डालता है, ये अल्लाह मोहब्बत डालता है, और उसी पर ये मोहब्बत कुर्बान हो रही है, उसी पर ये मोहब्बत कुर्बान हो रही है। तीनों की हड्डियां उन्होंने दफन कर दी। 2000 साल के बाद मेरे नबी और मूसा अलैहिस्सलाम में 2000 तकरीबन, ये तकरीबन की बात है, तहकीक की बात नहीं है, कम भी हो सकते हैं ज्यादा भी हो सकते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे तशरीफ जा रहे हैं, बैतुल मकदस उतरे, जब बुर्राक बैतुल मकदस के ऊपर आया तो उधर से मिस्र करीब हो जाता है, तो आपको जन्नत की खुशबू आई। आपने फरमाया जिब्रील ये जन्नत की खुशबू कहां से आ रही? अल्लाह अपने नाम पे मरने वालों को मरने नहीं देता, पैसे पे मरने वाले मर जाते हैं, इज्जतों पे मरने वाले मर जाते हैं, कुर्सियों पे मरने वाले मर जाते हैं, नोटों पर मरने वाले मर जाते हैं, जानवरों की तरह मर जाते हैं। अल्लाह के नाम, अल्लाह से बड़ा कदरदान कोई है? कोई अल्लाह से भी बड़ा कदरदान है? हाय हाय जिब्रील ये खुशबू कहां से आ रही है? क्या या रसूल अल्लाह फिरौन की बांदी को उसकी बच्चियों समेत फिरौन ने जला दिया था, और उन तीनों की हड्डियां जहां दफन की गई हैं, जिस दिन दफन की गई थी उस दिन से ये जन्नत की खुशबू उठ रही है, उठ रही है, उठ रही है, सारे आलम में फैल रही है, सारे आलम को मुअत्तर कर रही है। हमारे तो वो नाक नहीं के सूंघ सके, मेरे नबी को तो अल्लाह ने ये ताकत दी कि आपने 2000 साल से उठने वाली खुशबू को महसूस फरमाया। ये अल्लाह के नाम पर कुर्बान होने वालों की दास्तान है। अल्लाह को पालो, अल्लाह को पालो, अल्लाह को पालो। हजरत खुबैब रजी अल्लाह तआला अन्हो कुरैश ने पकड़ लिया, सूली पे चढ़ाने लगे, 40 नेज़ेबाज और खजूर के ऊपर लटकाया हुआ, नेज़े उठे तो उस वक्त में शेर कहे, वकद खय्यरून الكفر والموت دونه وقد حملت عيناي من غير مجزعي وما بي حضار الموت اني لميت ولكن حضاري جحم نار ملفعي ولست بمبد للعدو تخشعا ولا جزعا اني الى الله مرجعي فذا العرش صبرني على ما يراد بي فقد قطعوا لحمي وقد عاصمت معي। अरे शेरो शायरी
سکون کے ساتھ ہوتی، ویسے نہیں ہوتی. 40 نیزے نظر آ رہے ہیں اور خبیب نیزے پر کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کافر بن جاؤ تو تیری جان بخشی کر دیں گے، اور میں کہہ رہا ہوں موت کو گلے لگانا کفر کو گلے لگانے سے زیادہ آسان ہے. اے میرے رب، یہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے ہیں، ایک مجھے صبر دینا، ایک میرا حوصلہ نہ چھیننا، میں تیرے نام پہ مرنے لگا. جب وہ نیزے اٹھائے تو ان کا منہ تھا قبلے کی طرف، تو ابو سفیان کہنے لگے او اس کا منہ قبلے سے ہٹاؤ، قبلے کی طرف پیٹھ کر دو، جیسے میری پیٹھ. اب کھجور کا تنا ایسے گاڑا ہوا تھا تو اس کو ہلا کر یوں کیا، اور اس حرکت میں جب موت کی دستک سن رہے ہیں پھر دو شیر کہے، ما ان ابالی حین اقتل مسلما الا یجنب کان للہ مسرعی وذلک فی ذات الالہ وان یشا یبارک علی اوصال شلو ممزعی. ابو سفیان تو کی جاننا بے میرا رب صرف قبلے والے پاس سے پاگل، تو کیا سمجھتا ہے میرا رب صرف قبلے والے پاس سے؟ ارے اینا ما تبلو فثم وجه اللہ، ارے جدھر میں منہ کروں گا میرا اللہ میرے سامنے ہوگا، میں آگے دیکھوں میرا اللہ، میں پیچھے دیکھوں میرا اللہ، میں دائیں دیکھوں میرا اللہ، میں بائیں دیکھوں میرا، میں اپنے اندر دیکھوں میری رگ رگ میں اللہ ہے، میری بوٹی بوٹی میں اللہ ہے، میرے خون کے قطرے قطرے میں اللہ ہے، میرے رونگٹے روئیں روئیں میں اللہ ہے، میرے کھال بال میں اللہ ہے، میرا اللہ پتوں میں اپنی قدرت دکھا رہا، ذرات میں اللہ اللہ، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ اللہ اللہ، دریا کی موجوں میں اللہ اللہ، سمندر کے بلبلوں طغیانیوں میں اللہ اللہ، سورج کی ایک ایک شعاع میں اللہ اللہ، چاند کی ایک ایک کرن میں اللہ اللہ، تاروں کے جھلملاہٹ میں اللہ اللہ، اب پھیلے ہوئے آسمان کے وسعتوں میں اللہ اللہ، دھرتی پر، آکاش پر، صحراؤں پر، دریاؤں پر، میدانوں پر، پہاڑوں پر، جنگلوں میں اللہ ہی اللہ ہے. چل کر میرا منہ مشرق کی طرف، میرا اللہ سامنے، پھیر دے مغرب کی طرف، میرا اللہ سامنے، پھیر دے شمال کی طرف، میرا اللہ سامنے، پھیر دے جنوب کی طرف، میرا اللہ سامنے، کر دے زمین کی طرف، میرا اللہ سامنے، کر مجھے جدھر منہ کر کے مارو گے میرا اللہ میرے سامنے ہے. اور وہ چاہے گا تو بوٹی بوٹی میں برکت دے گا. جو ان نیزوں کی انیاں یہاں لگی، آخری اے میرے رب، میرے حبیب، میرے نبی کو میرا سلام پہنچا دے، میرے نبی کو میرا سلام. کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہ تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، کبھی اللہ سے بڑی یاری ہوتی تھی. آج 27 کی رات ہے، وہاں تو گزر گئی، 5 کلومیٹر تک صفیں بنی ہوتی ہیں، رب 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 پکارا جا رہا ہوتا ہے، آوازوں پر جاتی ہے، انشاءاللہ قبول بھی ہوتی ہوگی، لیکن کسی اور انداز میں قبول ہو رہی ہے. اس انداز میں قبول نہیں ہو رہی کہ ہماری رات پر دن چڑھ جائے، ہماری شام پہ سویر آ جائے، ہماری خزاں پہ بہار آ جائے، اس طرح کی قبول نہیں ہو رہی. خبیب، اے اللہ میرے نبی کو میرا سلام پہنچا. ایک دم جبریل مسجد نبوی میں اترے، آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، گھر میں نہیں تھے، مسجد میں تھے، کہ یا رسول اللہ، خبیب آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں، انہیں قریش نے قتل کیا. میرے نبی نے کہا، علیک السلام یا خبیب، علیک السلام یا خبیب، علیک السلام یا خبیب، خبیب تیرا نبی بھی تجھے سلام پیش کرتا ہے، خبیب تیرا نبی بھی تجھے سلام پیش کرتا ہے، خبیب تیرا نبی بھی تجھے سلام پیش کرتا ہے. ارے میرے بھائیو بہنوں، ارے ایسے مرو کہ اللہ کے نبی کے سلام آئیں، ایسے نہ مرو کہ زمین آسمان کہیں جان چھوٹی دفع ہو گیا، ایسے مرو کہ زمین بھی روئے آسمان بھی روئے، ایسے مرو کہ اللہ کا عرش خوشی سے جھوم رہا ہو. ہائے 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 ہائے. سعد بن معاذ کا انتقال ہوا، آپ مسجد میں تھے، تو جبریل آئے، یا رسول اللہ کون فوت ہوا ہے، آپ کے صحابہ میں کون فوت ہوا ہے؟ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا سعد بن، آپ نے کہا کیا ہوا؟
कहा अल्लाह का अर्श खुशी से झूम रहा है। ओ मेरे भाई बहन, अरे ऐसे ना मरना कि आसमान से कोड़े बरसें, ऐसे ना मरना कि रग रग में रूह को तड़पा के निकाला जाए। ऐसे ऐसी मौत मांगो या रसूल अल्लाह कौन फौत हुआ है, क्या हुआ? कहो अल्लाह का अर्श झूमे ही जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। जैसे कोई बड़े मेहमान आते हैं तो कोई तबले की थाप पर रक्स करता है, कोई ढोल बजाता है, कोई हार लेके खड़ा है, कोई झंडियां लगा रहा है। अरे साद ऐसे मरे कि अल्लाह का अर्श झूम रहा है। आपने कहा मेरा साथ बीमार था, आपने दौड़ लगाई देखा तो साथ फौत हो चुके। आपने अब देखो, अब ये सारी मस्जिद भरी है ना, अगर मैं यहां से वहां जाऊं तो मुझे रास्ता बनाना पड़ेगा। ऐसे 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 कमरा खाली था, साद बिन मास जिस कमरे में थे मैयत, कमरा खाली, लेकिन आप दाखिल हुए जैसे कोई मजमे को चीर के आता, यूं 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 यूं, और साद के सराने यूं करके बैठ गए ऐसे करके। या रसूल अल्लाह आप क्या कर रहे हैं? सहाबा, या रसूल अल्लाह एक आदमी कमरे में कोई नहीं, आप यूं यूं दाखिल हुए और यूं करके बैठ गए, क्या चक्कर है? फरमाया तुम नहीं देखते, मैं देख रहा हूं, ये कमरा फरिश्तों से भरा हुआ। अरे मेरे यार अब्बा बड़ी मौत ना दी, अरे चंगिया कर गई मारी मेरे मौला, कमरा भरा हुआ है, अभी एक फरिश्ते ने अपने पर को पीछे किया है, एक फरिश्ते ने अपने पर को पीछे किया है और मेरे बैठने की जगह बनाई है। साद बिन माज लंबा कद हैवी जिस्म, जनाजा उठाया बिल्कुल हल्का। या रसूल अल्लाह साथ के जनाजे का तो वजन कोई नहीं। कहा तोड़े मोड़े तो नहीं जा रहे, फरिश्तियां दे मोड़े दे जा रहे। कलमा शहादत तो हमारे लिए होता है, अरे इसको फरिश्तों ने मोड़ा दिया हुआ है, तुझे तो एवं ही मोटे दीती जानते हो, वो तो फरिश्तियां दे मोटियां ते जा रहे है, मेरा यार जा रहा है, रब का दुलारा जा रहा है, अल्लाह के महबूब का मेजबान जा रहा है। साद बिन माज अंसार के सरदार, मेरे नबी तबूक में थे, तबूक में जिब्री सूरज निकला बड़ा रोशन, जिब्रील आए, आपने जिब्रील से कहा जिब्रील क्या बात है, सूरज बड़ा रोशन है, क्या बात? आका या रसूल अल्लाह आपके गुलाम मदीने में मुआविया बिन मुआविया लैफी अंसारी साहबी, उनका इंतकाल हुआ है, उनके जनाजे में आसमान से फरिश्तों की दो सफें उतरी हैं, ये उसका नूर है। या रसूलल्लाह जनाजा आपने पढ़ाना है? कमें मैं तो इधर वो वहां, कमें अभी करता हूं। क्यों जमीन को सोकड़ा और मुआविया का जनाजा अल्लाह के नबी के सामने कर दिया, ये भी मौत है, ये भी मौत है। और सुलेमान बिन अब्दुल मलिक अमवी बादशाह बनु उमैया का सबसे हसीन बादशाह, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक सबसे हसीन, 42 साल की उम्र जवानी, उसकी मैयत को कब्र के करीब किया गया तो हिलने लगा, हिलने लगा, तो उसके बेटों ने कहा हमारे अब्बा जिंदा हैं, वो सख्ता हो गया है, जिंदा हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे अरे भतीजो जिंदा नहीं है, कब्र का अजाब जल्दी शुरू हो गया है, भला अजल अल्लाह बिल उकूबा, छुपाओ जल्दी छुपाओ। उमर बिन अब्दुल अजीज जिस तख्त पर बैठे उस पर सुलेमान था, उस पर वलीद था, उस पर अब्दुल मलिक था, इन तीनों ने अपने मन को राजी किया, उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपने रब को राजी किया। जब उमर बिन अब्दुल अजीज का वक्त आया मरने का तो उन्होंने बुलाया रजा बिन हैवा से, फरमाया
कि मैंने अब्दुल मलिक बिन मरवान चाचा भी थे सुसर भी थे, इनकी बेटी फातिमा से शादी हुई थी, मैंने उसको कब्र में उतारा, कफन की गिरा खोल के देखा तो उसका चेहरा किबले से हट चुका था, रंग काला स्याह पड़ चुका था। अब्दुल मलिक बिन मरवान गोरा चिट्टा था, ये जगह सुर्ख काला। फिर मैंने वलीद को कब्र में उतारा, उसका बेटा 10 साल हुकूमत की, इसने 21 साल हुकूमत की, इसने 10 साल की, वलीद बिन अब्दुल मलिक, मैंने उसके कफन की गिरा को खोल के देखा तो उसका रंग स्याह हो चुका था और किबला की तरफ से चेहरा फिर चुका था। फिर उस सुलेमान का वाकया तो अभी सुनाया, फिर उस सुलेमान को कब्र में उतारा और उसके कफन की गिरा को खोल के देखा तो उसका चेहरा किबले से हट चुका था। अब मैं जा रहा हूं, मुझे देखना। पहले तीनों ने हुकूमत की पूजा की और उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपने अल्लाह की पूजा की। उन्होंने एक बड़ा अजीब खुतबा दिया जब खलीफा बने, ए लोगों, बचपन में शेरो शायरी का शौक था तो मैं शायर बना, थोड़ा सा उठान हुई तो इल्म का शौक लगा, मैंने इल्म हासिल किया, जवान हुआ तो फातिमा बिन्त अब्दुल मलिक से इश्क हुआ, मैंने उससे शादी की, अब अल्लाह ने मुझे हुकूमत दे दी है, अब तुम देखो कि मैं इससे अपने अल्लाह को राजी करूंगा। हमारे हुक्मरान तो वोट से आते हैं और चले जाते हैं 4-5 साल के बाद, उनकी विरासत में हुकूमत आ रही है और 3 बर्र-ए-आज़म पर हुकूमत है और ऐसा रोब दबदबा है बनू उमैया का, कोई उनके सामने सर नहीं उठा सकता, और ये बंदा 2 साल 2 महीने 3 बर्र-ए-आज़म में ज़कात लेने वाला कोई ना बचा, 3 बर्र-ए-आज़म में सवाल करने वाला कोई ना बचा, 3 बर्र-ए-आज़म में जालिम कोई ना बचा, 3 बर्र-ए-आज़म में मजलूम कोई ना बचा। लेकिन खुद कैसा रहा, घर आए, फातिमा बड़े अच्छे दिन गुजरे हैं, अब इम्तिहान है, मैं तेरा हक नहीं अदा कर सकूंगा, तलाक लेनी है मैं हाजिर हूं, साथ देना है तो मेरे अपने हक माफ करो, अपने हक माफ करो। फातिमा जैसी औरत इंसानी तारीख में कोई नहीं आई, सियासी लिहाज से, सियासी दादा मरवान बादशाह, बाप अब्दुल मलिक बादशाह, भाई वलीद बादशाह, दूसरा भाई सुलेमान बादशाह, तीसरा भाई हिशाम बादशाह, चौथा भाई यजीद बादशाह और अपना खामिंद बादशाह, 7 नस्बतों से ये औरत शाहजादी है, कायनात इंसानी तारीख में इतनी बड़ी औरत कोई नहीं आई, सियासी सियासी। फातिमा कहने लगी, उमर मैंने सुख के दिन तेरे साथ गुजारे हैं, दुख में तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगी, जो मैंने अपने सारे हक माफ किए। फिर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की रातें और दिन कैसे गुजरे, फातिमा बिनते अब्दुल मलिक फरमाती हैं, 2 साल 2 महीने में वो मेरे बिस्तर पर मेरे साथ नहीं लेटे, उन्हें गुसल की जरूरत नहीं पेश आई, मुसल्ले पे बैठते और रोते 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 वहीं सो जाते और रोते रोते वहीं से उठते, पर 3 बर्र-ए-आज़म में जालिम कोई ना बचा, मजलूम कोई ना बचा, जकात लेने वाला कोई ना बचा, भिखारी भीख मांगने वाला कोई ना बचा, 3 बर्र-ए-आज़म को ऐसे साफ कर दिया। ये फैसलाबाद भी उनकी हुकूमत में शामिल था, चूंकि मुल्तान वो बंबई तक और मुल्तान दीपालपुर तक, ये सारा इलाका मुल्तान में आता है और मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान फतह किया वलीद के जमाने में, अपनी हुकूमत को अल्लाह की रजा के लिए इस्तेमाल किया। कैसे इस्तेमाल किया, सारे माल फातिमा का सारा जेवर बैतुल माल में डाल दिया, तनख्वाह पे आ गए, ईद का मौका आया, बच्चों ने मां से कहा, 12 बच्चे थे, बच्चियां 12 बच्चे बच्चियां, हमें कपड़े लेकर दो, ईद आ रही है, हर आदमी अपने बच्चों के लिए कपड़े ले रहा है, हमारे बच्चे भी कह रहे हैं कपड़े ले जाओ भाई लो। फातिमा के पास उमर 3 बर्र-ए-आज़म के बादशाह के बच्चे आ रहे हैं, मां जी ईद आ रही, कपड़े तो ले दें, अब्बा से कहें, अब्बा से बात करती हूं। अब्बा तशरीफ लाए, खजाने लबालब भरे हुए गंदम के ढेर की तरह, क्या अमीरुल मोमिनीन बच्चे कपड़े मांग रहे हैं, फातिमा मेरे पास तो पैसे नहीं, मैं कहां से कपड़े लेकर दूं, मेरे पास तो पैसे कोई,
हज़रत फातिमा ने कहा फिर बच्चों का क्या करूं, कहा मुझे भी नहीं पता क्या करूं। इसके पहले तीन हुक्मरानों ने लूट मार के बाजार गर्म किए, जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े, और आज उसी खजाने पे एक शख्स बैठा है जो अल्लाह को राजी करके करने के झंडे गाड़ रहा है। तो फातिमा ने कहा आप ऐसा करें अगले महीने की तनख्वाह एडवांस ले लें, उससे मैं अपने बच्चों को कपड़े ले देती हूं और घर का खर्चा मैं मजदूरी करके घर की रोटी चला लूंगी। अरे अपनी तारीख पढ़ो, सिर्फ ड्रामे ही ना देखते रह जाओ, सिर्फ गाने ही ना सुनते रह जाओ। और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। आने अपने बुलाया वजीर खजाना मुजाहिम, अपना ही गुलाम। हाँ भाई मुजाहिम, हमें बच्चों के कपड़े चाहिए, तो अगले महीने की तनख्वाह एडवांस मिल जाए। वो कहने लगे अमीरुल मोमिनीन आप मुझे लिख कर दे दें कि आप एक महीना जिंदा रहेंगे मैं आपको तनख्वाह दे देता हूं। उमर बिन अब्दुल अजीज सर झुकाया, उठे घर गए। फातिमा मेरे बच्चों से कह दो कि तुम्हारा बाप कपड़े लेके नहीं दे सकता, अपनी तारीख तो देखो। ईद का दिन आ गया, खलीफा वक्त ईद की नमाज पढ़ाते थे, नमाजें भी खलीफा वक्त पढ़ाते थे। बनु उमैया का खानदान मिलने के लिए आ रहा है, सारे सरदार, सरदारों के बेटे, आला पोशाक आला लिबास मिलने आ रहे हैं, मिलने आ रहे हैं, मिलने आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद देखा तो बच्चे भी मिलने आ रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन की हैसियत से बच्चे बाप को मिलने आ रहे हैं, और उनके जिस्मों पर पुराना लिबास है। अस उमर उन्हें देखकर इधर अपने सरदारों के बच्चे देखे तो जर्क बर्क पोशाकें, अपने बच्चों को देखा, अरे उस बाप से पूछो जो सब कुछ कर सकता हो और फिर मुट्ठी बंद कर ले कि नहीं मैंने हराम की तरफ नहीं जाना। बच्चों को देखा तो आंखें डप डप आ गई, आंखों में आंसू आ गए। फरमाया मेरे बच्चों आज तुम्हें अपने बाप से गिला तो होगा कि आज हमारे बाप ने कपड़े ही ना लेके दिए। उनके एक बेटे हैं अब्दुल मलिक, उनसे भी चार रात आ गए थे, उनसे पहले ही फौत हो गए थे। कहने लगे अब्बा जा आपको मुबारक, आपने कौमी खजाने में बद्यांती नहीं की है, आपको मुबारक हो, आज हमारा सर बुलंद है, हम शर्मिंदा नहीं है, हम शर्मिंदा नहीं है। इंसानों को कपड़ों पे नहीं तोला जाता, आज का मेरा देश कमालदार इतना फकीर हो गया है, इतना छोटा हो गया है कि वो अपना तारुफ करवाने के लिए 50 लाख की घड़ी लेता है, 6 लाख का जूता लेता है। आज की बेगम इतनी छोटी हो गई है कि अपने आप के अपने कद को बड़ा करने के लिए वो 10 लाख का हैंडबैग लेती है कि देखो मेरा बैग 10 लाख का है। अरे मेरी बहन तू 10 टके की भी नहीं रही अगर तूने बैग से अपने आप को बड़ा बनाया। ओ मेरे दोस्त तू 2 टके का नहीं है अगर तू 10 लाख के जूते और 50 लाख की गाड़ी से 50 लाख की घड़ी से अगर तू बड़ा बनना चाहता है। अरे इस धोखे से निकलो, निकलो। ब्रांडेड 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 कहां जा रहे हो, जब तुम अपनी जात में बेकीमत हो तो रब जुल जलाल की कसम तुम्हारी घड़ियां, तुम्हारे बैग, तुम्हारी गाड़ियां, तुम्हारे बंगले तुम्हारी इज्जत को बढ़ा नहीं सकते। अब्बा जान आज हमारा साडा इत्थे सिर आ गया, सानू आज साडी ईद हो गई कि साडे अब्बे आज खयानत नहीं की थी, आज हम खुशी से बुलंद हैं कि हमारे बाप ने बद्यांती नहीं की।
घर में तशरीफ लाए, कहने लगे फातिमा कुछ पैसे हैं, मेरा अंगूर खाने को जी जा रहा। उफ उफ उफ, बस फातिमा रोने लगी। फरमाया अमीरुल मोमिनीन खजाना तो भरा पड़ा है, एक दिरम का भी तेरा हक नहीं है कि तू एक दिरम लेके अंगूर खरीद ले। तो तड़प उठे, फातिमा मैं जहन्नम नहीं बर्दाश्त कर सकता। ओ मेरे भाइयों, जो दिन रात सूद में फंस चुके हो, जो दिन रात जुए शराब में फंस चुके हो, कैसे अल्लाह के सामने सुरखरू होकर खड़े होंगे? फातिमा मैं जहन्नम नहीं बर्दाश्त कर सकता। नहीं नहीं, एक रात घर में तशरीफ लाए, बच्चियां बेटियां मुंह पे हाथ कपड़ा रखा, दुपट्टा रखा मुंह पे, और बात करें आपने पूछा अरे क्या हुआ तुम्हें, ये मुंह पे कपड़ा क्यों रखती हो? तो खामोश हो गई, लेकिन घर की खादमा रो पड़ी, कहा अमीरुल मोमिनीन आज आपकी बेटियों ने कच्चा प्याज तोड़ के उससे रोटी खाई। साला ने कोई अरे मसरदी दाली कोई नहीं है, प्याज कच्चे प्याज ना रोटी आज साडा मजदूर जड़ा कोई ना कोई चटनी बना बंदा है, त्राए बर्रे आजम दे बादशाह दियां धियां आहा कच्चे वसला ना रोटी बैठियां खांदियां। और मेरे आज का ताजर कहता है झूठ ना बोलूं तो कारोबार कैसे, मेरा अफसर कहता है रिश्वत ना लूं तो गुजारा कैसे कर। तो उमर बिन अब्दुल अजीज फिस पे हिचकियों के साथ रोए, कि मेरी बच्चियों मैं तुम्हें बड़े अच्छे खाने खिला सकता हूं पर मैं जहन्नुम की आग बर्दाश्त नहीं कर सकता। भाइयो उस बंदे ने अपने आप को ज़बह कर दी, अल्लाह को राजी करने के लिए ज़बह कर दी, अपने साथ को, अपने जज्बात को, अपने एहसासात को। जब गवर्नर होते थे ना तो हजरत फातिमा की एक बांदी थी, उनसे उन्हें इश्क हो गया, तो अपनी बेगम से कहते ये बांदी मुझे गिफ्ट कर दो, वो कहती मैं नहीं करती। जब ये खलीफा बने कई दफा उनसे कहते मुझे हदिया कर दो मुझे दे दो, वो कहते मैं नहीं देती मैं नहीं देती। जब ये खलीफा बने तो इनकी बेगम ने उस बांदी को नहलाया, खूबसूरत जेवरात से सजाया, आलीशान मेकअप किया और उसका हाथ पकड़ के लाई, अमीरुल मोमिनीन ये आपकी खिदमत में गिफ्ट है। उसको यूं देखा, फरमाया कहां से आई थी? कहा जी अब्दुल मलिक ने कूफे से मुझे जबरदस्ती उठवाया था, तो दो आदमी बुलाए, कहा जाओ इसे इसके मालिक के पास वापस भेज दो। वो कहने लगी ऐन वजदुका अलैया या अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन आपका इश्क कहां गया जो मेरे साथ था? तो उमर की आंखें भर आईं, कहा वो पहले से भी ज्यादा है लेकिन तुम्हें अल्लाह के लिए कुर्बान करता, मैं अपने इश्क को अल्लाह के लिए कुर्बान करता। हाँ। अब अल्लाह ने सिला क्या दिया, जब इंतकाल हुआ होने लगा तो बुलाया राजा को, जो मैं बात पहले छोड़ के इधर उधर उनकी थोड़ी सीरत बताई कि राजा अब मैं मरने लगा हूं, अब्दुल मलिक काला हो गया था, वलीद काला हो गया था, सुलेमान काला हो गया था, ये क्यों काले हुए थे? ये बेनमाजी नहीं थे, बदकारी नहीं करते थे, किसी की तरफ इनकी मैली आंख नहीं उठी कभी, ये जालिम थे, जालिम जालिम, इंसानों का खून पिया, माल में खयानत की। इस पर अल्लाह ने चेहरे फेर दिए, आज उमर बिन अब्दुल अजीज जा रहा है, कहा देखो मैं जा रहा हूं मुझे देखो मेरे साथ क्या होता है। इनका इंतकाल हुआ, इनकी मैयत कब्र के किनारे रखी गई और अब नीचे उतारना है,
सुलेमान की मैयत को उतारने लगे तो हिलने लगा और अजाब कबर पहले शुरू हो गया। उमर की मैयत को जब कबर के करीब किया गया ऐसे हवा का झोंका आया, एक पर्चा ऐसे लहराता हुआ यूं आया यूं आया यूं आया और उमर के सीने पर गिर गया। लोग इकट्ठे हो गए, पर्चे को खोल के देखा गया तो उस पर लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बराअतुम मिन अल्लाह लउमर इब्ने अब्दुल अजीज मिन अन्नार, ये परवाना है अल्लाह की तरफ से उसके बंदे उमर के लिए कि उसे जहन्नम से नजात की खुशखबरी सुना दी जाए। आहा, मरना हो तो यूं मरो, अल्लाह ऐसी मौत दे दे। कहते हैं फिर मैंने उनको कब्र में उतारा, जब कब्र में उतारा तो क्या देखा, मैंने कफन की गिरा खोली तो चेहरा किबले की तरफ फिट और यूं लगा जैसे 14वीं रात का चांद कब्र में उतर आया हो। मेरे भाइयों, मेरे भाइयों बहनों, अपने अल्लाह से सुलह कर लो, अपने अल्लाह से सुलह कर लो, उसके महबूब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यही एक रास्ता नजात का है, यही एक रास्ता अल्लाह तक पहुंचाने वाला है। और आखिरी बात करता हूं, हाय इस देश की नफरतों ने इसे आग लगा दी है, आपस की नफरतें मिटा दो, आपस की नफरतें मिटा दो, आपस की नफरतें मिटा दो, मोहब्बत दे मोहब्बत दो मोहब्बत दो मोहब्बत दो, माफ करना सीखो दरगुजर करना सीखो। इस मुआशरे को आग लग चुकी है, गीबत मजहब के नाम पे नफरत, सियासत के नाम पे नफरत, कौमियत के नाम पर नफरत, सूबों के नाम की नफरत, एक सफ में बैठ के नफरत, एक सफ में खड़े होकर दिल नफरतों से भरे पड़े हैं, बुगज से भरे पड़े हैं, दिल गटर बन चुके हैं। जिस दिल में नफरत के जज्बे हों उस दिल पर अल्लाह की नजर नहीं पड़ती, जिस दिल पर जिस दिल में बुगज के गटर खुले हों उस पर अल्लाह की मोहब्बत की नजर नहीं पड़ती। मेरे भाई बहनों, ये मैं आखिरी बात कर रहा हूं, सुई 12 बजे तक जा रही है, शब कदर है, कुछ आपस कुछ अलग बैठ कर भी अपने अल्लाह को याद कर लो, कुछ उसके सामने रो धो लो, माफियां मांग लो। तो मैं इसलिए 12 बजे तक बात खत्म करना चाहता हूं, आखिरी बात कर रहा हूं, आपस की मोहब्बतें परवान चढ़ाओ, आपस की नफरतों को खत्म करो, आपस की लड़ाइयों को खत्म करो, एक दूसरे को माफ करने की आदत डालो, एक दूसरे को दरगुजर करने की आदत डालो, गीबत छोड़ दो, नफरत छोड़ दो, हसद छोड़ दो, बुग़्ज़ छोड़ दो, अपने आप को देखना शुरू करो, औरों को ना देखो, औरों को ना देखो, औरों को ना देखो, अपने मन में डूब कर पा जा सुराग़े जिंदगी। अपनी कमियां देखो, वो क्या करता है, वो क्या करता है, वो क्या करती है, वो क्या करती है, इससे अंधे बन जाओ, बहरे बन जाओ, किसी की बुराई ना सुनो, किसी बुराई ना करो, तुम्हारे घर जन्नत बन जाएंगे, तुम्हारे घर जन्नत बन जाएंगे, तुम्हारे घर जन्नत बन जाएंगे। हमारे घरों में तबाही बर्बादी है, नफरत, मां बाप में आपस में नफरत, मियां बीवी में नफरत, सगे भाइयों में नफरत, कभी मजहब के नाम पर, कभी रिश्तों के नातों के नाम पर, कभी तिजारत कारोबार के नाम पर। भाइयों, मोहब्बतों को रिवाज दो, मोहब्बतों को रिवाज दो, मोहब्बतों को फैलाने वाले बनो। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम का सबसे मजबूत अमल बताओ क्या है, सहाबा ने कहा जी नमाज है, आपने कहा नहीं नमाज नहीं है, नमाज अच्छी चीज है सबसे मजबूत अमल नहीं है। साहबा ने अर्ज की जिहाद है, आपने कहा जिहाद भी अच्छी चीज है सबसे मजबूत नहीं। साहबा ने अर्ज किया रोजा, आपने कहा रोजा भी अच्छी चीज है पर सबसे मजबूत अमल नहीं।
सहाबा ने अर्ज किया हज, आपने फरमाया हज भी बहुत बड़ा अमल है पर सबसे मजबूत अमल नहीं। अयोरल इस्लाम अवसक, अब सुनो अल्फाज सुनो, इस्लाम का सबसे मजबूत अमल बताओ। कालू अस्सला, قال وحسن وما هي بها، قالوا الجهاد، قال وحسن وما هو به، قالوا الصيام، قال وحسن وما هو به، قالوا الحج، قال حسن وما هو به، قالوا الله ورسوله اعلم. हाँ नमाज नहीं, जिहाद नहीं, रोजा नहीं, हज नहीं, अच्छा तो क्या है, फिर क्या है? तो आपने कहा इन अवसक औरल इस्लाम अलहुब्बुलिल्लाह वलबुग्दुलिल्लाह, इस्लाम का सबसे मजबूत अमल आपस में अल्लाह के लिए मोहब्बत करना है, अल्लाह के लिए मोहब्बत करना है, अल्लाह के लिए मोहब्बत करना है और अल्लाह के लिए बुगज रखना है। अल्लाह के लिए बुगज का क्या मतलब है? बुरे से नफरत ना हो, बुराई से नफरत हो। एक वाक्या सुनाता हूं जिससे बुग्ज लिल्लाह की मिसाल शायद 14 सदी में ऐसी मिसाल होंगी, तारीख ने जिन्हें महफूज किया उनमें इतनी बड़ी मिसाल मेरी नजरों से आज तक नहीं गुजरी। अल बुग्ज लिल्लाह, खैबर की जंग, यहूदी और हजरत अली का टकराव, हजरत अली ने यहूदी को गिराया, कत्ल करने के लिए तलवार उठाई, यहूदी ने मुंह पे थूक दिया तो आप पीछे हट गए, उठ गए, कहा दोबारा आओ, कहें ये क्या, अरे मैंने तो मुंह पे थूक दिया गुस्से में, चलो जल्दी खत्म करे मुझे, तुम मुझे क्यों छोड़ के पीछे हट गए? कहा सुनो, तेरा मेरा जाती कोई झगड़ा नहीं, मैं तुम्हें अल्लाह के लिए कत्ल कर रहा था, मैं अल्लाह के लिए तुम्हारे साथ लड़ रहा था, जब तुमने मेरे मुंह पे थूका तो मुझे गुस्सा आ गया, जाती गुस्सा, अब कहीं ये तलवार मेरे गुस्से की वजह से ना चल जाती, इसलिए मैं पीछे हट गया, आओ दोबारा लड़ेंगे। उन्होंने कहा मुझे कलमा पढ़ा, मैं नहीं लड़ता। मेरा देश नफरतों में जल उठा है, मेरा देश नफरतों में जल उठा है, यार ये क्या कर रहे हैं, तो अब मैं क्या करूं? बस अबे कैसे, मैं उतना शोर मच रहा, मैं कैसे करूं, इसको हुआ क्या है? इतनी अहम बात मैं कर रहा था, वो कोई उधर करता है, उधर करता, मैं कैसे बोलूं? कोई नहीं हो रहा, आ नहीं रही, अबे खामोश हो जाओ, 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 ये माइक बंद हो गया है? हाँ, लेकिन वो मजमे का इंतजार मैं कैसे बोलूं, उधर से कर रहा है, उधर से कर रहा है, अबे दरवाजा मत खोलो, दरवाजा मत खोलो। मेरे भाई आप मेरी तरफ तवज्जो फरमाओ, मैं आखिरी बात कर रहा हूं, बड़ी अहम बात कर रहा हूं, अल्लाह के वास्ते मेरी सुनो। आपस की नफरतों को मिटाओ, आपस की नफरतों को मिटाओ, आपस की नफरतों को मिटाओ, मुसलमान बन के जिंदगी गुजारो, फिरकावारियत की आग में मत जलो, फिरकावारियत की आग में मत जलो, मुस्लिम बन के रहो, मोमिन बन के रहो, किसी जिस फिरके से हो तुम्हें मुबारक हो, जिस मसलक पर हो तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह के वास्ते औरों को भी मुसलमान समझो, औरों को भी ईमान वाला समझो, औरों के लिए भी जगह बनाओ, औरों के लिए भी जगह बनाओ, औरों को भी रास्ता दो, जन्नत बहुत बड़ी है, जन्नत बहुत बड़ी है, जन्नत बहुत बड़ी है। अर्ज हस्समावात वल अर्द सारिउ इला मगफरतन मिन रब्बिकुम व जन्नतन अर्ज हस्समावात वल अर्द उद्दत लिल मुत्तकीन, जन्नत बहुत बड़ी है जो जातों जमीन आसमान की चौड़ाई के बराबर है, सिर्फ खुद जन्नत के ठेकेदार न बनो, इस्लाम के ठेकेदार न बनो, अल्लाह के ठेकेदार न बनो, थानेदार न बनो,
औरों के लिए भी रास्ता खुला कुशादा करो। वो अपनी रहमत में इतना वसी है कि वो कहता सारी कायनात को गुनाहों से भर दो, सारी कायनात को गुनाहों से भर दो, जमीन से लेकर आसमान की छत तक अपने गुनाहों को लगा दो, फिर सिर्फ एक दफा मुझसे कहो या अल्लाह मेरी तौबा तो मैं सारे माफ कर दूंगा। क्यों अल्लाह की रहमत को पाबंद करते हो, क्यों अल्लाह की रहमत को पाबंद करते हो? एक एंकर ने मुझसे टेलीफोन पर मुझे लिया, कहा आप कहते हैं जब जितनी दफा मर्जी तौबा तोड़ के तौबा करो तो अल्लाह माफ करेगा, आपके पास कोई मुलाजिम हो और वो बार 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 गलती करे, आप उसे रखेंगे, आप उसे निकाल नहीं देंगे? मैंने कह रहा मेरे दोस्त ये तूने क्या किया, तूने तारिक जमील को अल्लाह से मिला दिया, अल्लाह को तारिक जमील से मिला दिया। अरे अल्लाह अल्लाह है, तारिक जमील है, तारिक जमील तो बेटे को भी निकाल देगा अगर वो तीसरी से चौथी दफा नाफरमानी करेगा, नौकर तो नौकर है, मैं तो बेटे को, मेरे बाप ने मुझे घर से निकाल दिया था, मैं किसी और की बात क्या करूं, ये तो मौलवी बनना था, मेरे घर जो निकल जा। 23 नवंबर 1972 हफ्ते का दिन था, मेरे बाप ने फरमाया अगर तू मौलवी बनना मेरे घर जो निकल जा। मेरा कदीम आबाई जिम्मेदारा सिलसिला है, उसमें मौलवी बनना एक गाली था, उनका तू मेरे घरों निकल जा। मैं बिस्तर उठा के निकल गया और मैं कहा अल्लाह के बंदे अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह अल्लाह है, जितनी दफा आओगे उतनी दफा माफ करेगा, जितनी दफा आओगे उतनी दफा माफ करेगा। मैं अल्लाह की रहमत को पाबंद करूं? तुमने अल्लाह को बादशाहों पे क्यास कर दिया है जो कहता जमीन भरो गुनाहों से। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि करो, मैं वो बता रहा हूं जो वो कह रहा है कि जमीन भर दे गुनाहों से, तय बतह लगा चांद तारों को भर दे, खला फिजा को भर दे और फिर आसमान की छत को लगा दे, सारी दुनिया के इंसान कहेंगे ये दोजखी है, तो एक दफा मुझे कहना या अल्लाह माफ कर, मैं सारे माफ करूंगा, सारे माफ करूंगा। होगा मुझे कोई परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं। क्यों परवाह नहीं? कि मेरे गुनाहों से उसे क्या फर्क पड़ता है, मेरी नेकियों से उसे क्या फर्क पड़ता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मुस्लिम बन के रहो, मुस्लिम बन के रहो, किसी फिरके का जो भी तुम्हारा मसलक है दिल में रखो, ऊपर छाप ना लगाओ, छाप उम्मत की लगाओ, छाप इस्लाम की लगाओ, छाप उम्मत की लगाओ। एक दूसरे पर तोपें कसी हुई हैं और ये काफिर वो काफिर, ये काफिर वो काफिर, फिर दुनिया में मुसलमान है कौन? मेरी फरियाद है, मुझे पता है मेरा अल्लाह चाहेगा तो इस आग को बुझाएगा, नहीं बुझेगी जहां तक ये इसके शोले जा चुके हैं। मुझे नहीं पता कि मेरी ये नक्कार खाने में तूती की कौन सुनता है, नक्कार खाने में तूती की कौन सुनता है, शहनाइयों में किसी का नौहक कौन सुनता है। लेकिन मैं कहूं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग भड़क चुकी थी जलाने के लिए तो गिरगिट ने आके फूंक मारी, ओदी फूका नाल कोई वध जावनी आई, और एडा सारा नाम मुराद किरला नाल अग कितू वधनी आई, उस आके फूका मारिया। मेरे नबी ने फरमाया जहां किरला मिले कत्ल करो, गिरगिट ये किरली और होती है, गिरगिट और होता है, हमारे जंगलों में होता है, अफ्रीका में बेशुमार होता है। तो गिरगिट ने आके फूके मारी, उससे आग बढ़ नहीं गई, कबूतर ने चोंच में पानी डाला और ऊपर जाके पानी गिरा, कबूतर ने भी पता ही मेरे कतरे नाल की बढ़ना है, उसे कहा अल्लाह साईं मेरा नाम लिख ला इब्राहिम दी आग मुझावण आले आ छो। मुझे पता है मैं इस फिरका वारियत की आग को नहीं बुझा सकूंगा, लेकिन मैं अल्लाह रसूल की बारगाह में इब्राहिम का कबूतर बन के पेशूंगा कि या रसूल अल्लाह मैंने इस आग पे पानी डालने की सारी जिंदगी कोशिश की, मैं नहीं बुझा सका, मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं कहता रहा, कहता रहा, मैं कहता रहूंगा यहां तक कि मेरा रब मुझे अपने पास बुला ले, मैं तुम्हें इससे हटाने के लिए सारा जोर लगाऊंगा। तुम मानो ना मानो तुम्हारे दिल की बात है। क्या खलासतों के अंबार लगे हुए हैं, ये काफिर, ये खारजी, ये कुत्ता, ये फलाना, ये इस्लाम है क्या, है क्या कर रहे हो? पता नहीं कौन लोग हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं।
کم از کم تم جو میری سن رہے ہو، یہ ٹی وی کے ذریعے جو سن رہے ہیں، ارے مسلمان بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو. نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ ہاں. کسی سے لڑے ہوئے صلح کر لینا، کسی سے ناراض ہو راضی ہو جانا. لڑائی جھگڑوں میں کچھ نہیں رکھا ہے. کسی ناراض ہو، شب قدر میں چار آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی، چار آدمیوں کی. کوئی ایسی کمی ہے تو توبہ کر لو. ایک شراب پینے والا، ایک ماں باپ کا نافرمان، اور ایک رشتہ داروں سے توڑ کرنے والا، اور ایک دل میں کسی کے لیے نفرت پالنے والا. یہ چار آدمی نہیں بخشے جاتے، باقی سارے بخشے جاتے ہیں. تو کوئی شراب پینے والا ہے توبہ کر لے، ماں باپ کا نافرمان ہے ان کے پاؤں پکڑ لے، اور رشتہ داروں سے لڑا ہوا ہے صلح کر لے. کسی کی نفرت دل میں پالی ہوئی ہے اسے نکال دو. سب کو گلے سے لگانا سیکھو. میرے رب کی جنت بہت بڑی ہے. ایک دن آئے گا میرا اللہ فرمائے گا، ہاں جس نے کبھی دنیا میں ایک دفعہ بھی میرا نام لیا تھا اس کو بھی جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دو. بھائیو میں علماء سے کہتا ہوں، میں علماء سے کہتا ہوں، اگر میری سن رہے تو میں کہتا ہوں، اللہ کے واسطے امت کو دین سمجھاؤ، فرقے نہ سمجھاؤ. امت کو دین سمجھاؤ، فرقے نہ سمجھاؤ. اس ممبر کو محبت کے لیے باقی رکھو. اس ممبر سے آگ نہ بھڑکاؤ نفرتوں کی، اس ممبر سے آگ نہ بھڑکاؤ نفرتوں کی. تمہیں کہتا ہوں، تمہیں کہتا ہوں، بچو ایسی باتوں سے جس سے فرقہ واریت کو آگ لگے، بچو ایسی کتابوں سے، ایسی تقریروں سے، ایسی آوازوں سے جس سے تم دوسرے مسلمان کے لیے نفرت لے کے اٹھو. ارے پتہ نہیں رب کو کس کی کیا بات پسند آئے اور اس کی بخشش کے فیصلے ہو جائیں. تم اللہ کی رحمت کو کیوں پابند کرتے ہو؟ فاحشہ عورت نے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے بخشش کر دی. وہ تو کتوں پہ رحم کھانے والوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، آخری بات کر رہا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں. محبت پھیلاؤ، محبت پھیلاؤ، نفرتوں کو مٹاؤ، نفرتوں کو میں اوروں کو برا. کبھی حکمرانوں پہ چڑھائی، کبھی نون لیگ پہ چڑھائی، کبھی کاف لیگ پہ چڑھائی، کبھی پی ٹی آئی پہ چڑھائی، کبھی پیپل پارٹی پہ چڑھائی، کبھی جمعیت پہ چڑھائی، کبھی اپنے اوپر بھی چڑھائی کیا کرو. تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے. اپنی ذات سے بننا شروع کرو، اوروں کو برا کہنا چھوڑ دو. رابعہ بصری سے کسی نے کہا، تو شیطان کو لعنت ہی نہیں کرتی؟ کہا، رحمان کے ذکر سے فارغ ہوں تو شیطان کو لعنت کروں؟ میں تو ویلی کوئی نہیں، اور رب تو ویل لبے تو شیطان نو لعنت کراں. او میرے بھائیو، اپنے رب کے اتنے دیوانے بن جاؤ کہ کسی کی طرف آنکھ ہی نہ اٹھے. اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے دیوانے بن جاؤ کسی طرف آنکھ ہی نہ اٹھے. اس کیمرے کے ذریعے سے علماء کے سامنے کہتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں. اپنے مسلک کو بتاؤ کمرے میں بیٹھ کر، درسگاہ میں بیٹھ کر. جب ممبر پر آؤ تو اسلام پیش کرو، اسلام پیش کرو، محبت پیش کرو. امت کو ٹکڑوں میں تقسیم مت کرو. کیا منہ دکھاؤ گے اگر تم ٹکڑوں میں تقسیم ہو کے مر گئے؟ میرے رب کی رحمتیں وسیع ہیں، میرے رب کے خزانے وسیع ہیں، میرے رب کی شہنشاہی رحمت وسیع ہے. آؤ سب کے لیے جنت کی سوچیں. ہاں اگر آپ سمجھتے ہو کہ میں بڑا گستاخ رسول ہوں اور میں خارجی ہوں، میں کافر ہوں، یہ فیس بک پر میرے نام کے ساتھ کتنے لگے ہوئے ہیں، گستاخ رسول، خارجی، کافر، تو آؤ مجھے پیار کرو، مجھے سمجھاؤ جیسے تبلیغ والوں نے کیا. آپ کی منت کرتا ہوں، تبلیغ میں سارے وقت لگاؤ. پوری دھرتی میں ایسا کام نہیں ہو رہا دین کا جیسے تبلیغ کا کام ہو رہا ہے. یہ فرقہ واریت سے پاک محنت ہے، یہ فرقہ واریت سے ہٹ کر محنت ہے. اس نے چھ بر اعظم کے مسلمانوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، اس نے چھ بر اعظم کے انسانوں کو اللہ کی بات پہنچائی ہے، اور محبت اور پیار سے پہنچائی ہے. میں آج ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، مجھے 40 برس گزر گئے، اس کے پیچھے اس تبلیغ کی برکت ہے. میں تو گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتا تھا، میں تو اپنے کالج کا سنگر بھی تھا، ڈانسر بھی تھا. 3 دن مجھے ایک دوست پکڑ کے لے گیا اور میری اللہ نے زندگی کو پلٹا دیا. میں آج اللہ رسول کے نغمے گا رہا ہوں، میں اللہ رسول کے گیت گا رہا ہوں. میں آپ سب سے عرض کرتا ہوں، تبلیغ میں وقت دینا،
تبلیغ میں وقت دینا، اس سے آپ کی زندگی بدلے گی، آپ کی زندگی کو رخ ملے گا. نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ چلو درود شریف پڑھو. یہ آواز جا رہی؟ دیکھو بھائی، ابھی ہم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے لگے ہیں. اگر دل میں کسی کے بارے میں بغض ہے، ابھی صاف کرو. کسی سے نفرت ہے، ابھی صاف کرو. کسی سے لڑے ہوئے، ابھی صلح کرو. کسی کو دکھ پہنچایا، اس سے معافی مانگنے کی نیت کرو. ٹھیک ہے؟ اگر یہ اب دروازے کھول دیے جائیں تو کیا حرج ہے؟ اچھا نہیں، وہ اندر آئیں گے. نہیں، آپ لوگ باہر بیٹھو، باہر بیٹھو. میں کچھ نہیں کر سکتا، باہر بیٹھو. میں دعا مانگنے لگا ہوں. بیٹھو، سارے بیٹھو، سارے بیٹھو، سارے بیٹھو. بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. ابھی دعا نے لگی، بیٹھ جاؤ. بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. اللهم لك الحمد كما انت اهله، فصل على سيدنا ومولانا محمد كما انت اهله، وفل بنا ما انت اهله، انك اهل التقوى واهل المغفره. يا من رفع السماء بقدرته، ودحى الارض بمشيئته، وخلق الخلائق بارادته، واستوى على العرش كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه. يا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. يا احد الصمد الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يا مالك الملك، يا من تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. يا من بيده الخير وهو على كل شيء قدير. يا من هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. اے زمین و آسمان کے شہنشاہ، اے کائنات کے شہنشاہ، اے بحر و بر کے شہنشاہ، اے عرش و فرش کے شہنشاہ، اے ثرا ثریا کے شہنشاہ، اے زمین آسمان کے بنانے والے تنے تنہا مالک، اے وہ رب جس کا شریک کوئی نہیں، اے وہ رب جس کا سنگی کوئی نہیں، اے وہ رب جس کا مشیر کوئی نہیں، اے وہ اللہ جس کی جو بیوی سے پاک ہے، اے وہ اللہ جو اولاد سے پاک ہے، اے وہ اللہ جو زمان و مکان سے پاک ہے، اے وہ اللہ جو مشرق مغرب سے پاک ہے، اے وہ اللہ جو شمال و جنوب سے پاک ہے، اے وہ اللہ جو ہر حاجت سے پاک ہے، اے وہ اللہ جسے زوال نہیں، اے وہ رب جسے کسی نے نہیں بنایا اور تو نے سب کچھ بنایا. اے میرے مالک، اے میرے مالک، ادھر دیکھ تو صحیح، آج تیرے کتنے حقیر فقیر ذلیل بندے بندیاں ہاتھ اٹھا کر تیری منت کرنے شب قدر میں آئے بیٹھے، شب قدر میں تجھے منانے آئے بیٹھے. تو ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہمیں پتا ہے. ہواؤں کے تیور بدل گئے، زمین آسمان کے تیور بدل گئے. تو نے سمجھایا، ہم نہ سمجھے. تو نے روکا، ہم کوئی نہ رکے. تو بلاتا رہا، ہم نے پلٹ کے نہ دیکھا. تو سمجھاتا رہا، ہم نے کانوں میں ڈانٹ دے لیے. تو نے عبرت کے نمونے دکھائے، ہم نے آنکھوں پہ چشمے چڑھا لیے. تو نے عبرت کے قصے سنائے، ہم نے کان بند کیے. میرے رب، اے میرے رب، ہمیں پتا ہے تیرا عرش پہلے آسمان پر ہے، ہمیں پتا ہے تیری طرف سے اعلان ہو رہا ہے. آ جاؤ مانگنے، آ جاؤ، ہم آ گئے. دیکھو آج کروڑوں مرد عورت ہے میرے مولا، چھوٹے چھوٹے بچے بچیوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں میرے مولا، بوڑھوں نے جوانوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں میرے مولا، ٹوٹے دل والوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں میرے مولا، مظلومین کی کروڑوں کی تعداد نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں میرے مولا، غریبوں نے جھگیوں میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں میرے مولا. جو ایک وقت کی کھاتے ہیں، اگلے دن کی ان کے بچے پوچھتے ہیں ابا روٹی. اے میرے مولا، آج بڑے فقیروں کا مجمع آیا ہے. تو واحد شہنشاہ ہے جو فقیروں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے.
दुनिया के बादशाह तो नाराज हो जाते हैं, धक्के देते हैं, दरवाजे बंद करो, तुझसे ना मांगे तो तू तो नाराज होता है, लोगों से मांगे तो वो नाराज होते हैं, और तुझसे ना मांगे तो तू तो नाराज होता है। तू कितना प्यारा है या अल्लाह, तू कितना मेहरबान है या अल्लाह, तू कितना अच्छा है मेरे अल्लाह, तू कितना अच्छा है मेरे अल्लाह, तू आज कह रहा है अल्लाह इसे शब कदर बना दे, तुझे क्या लगता है शब कदर गुजर गई है तो उसकी बरकतें अता फरमा दे। आज हमने हाथ उठाए हैं, आज हम तुझे राजी करना चाहते हैं। जैसे बच्चा माँ के पाँव में पड़ जाता है, वो ठुडे मारती कहता नहीं माँ माफ कर, वो फिर मारती कहता नहीं माँ माफ कर। ओ मेरे रब्बा, मिट्टी की बनी हुई माँ भी पसीज के नरम हो जाती है और नाफरमान औलाद को गले लगाती है। ओ मेरे रब्बा, ये प्यार तो तूने माँ के दिल में डाला, और तू खुद प्यार है, तू खुद प्यार है, तू खुद प्यार है, तुझे अपने गुनाहगारों से भी प्यार है मेरे पर, जब भी तो तू उनके गुनाहों पे पर्दे डालता, उनकी कमियों को छुपाता, उनके दरगुजर करता है, जब भी तो तूने कुरान में कहा अगर मैं तुम्हें पकड़ता तो तुम सबको सफाए हस्ती से मिटा देता। तेरा कितना करम हुआ, तूने हमें इंसान बनाया हुआ है, हमें बंदर नहीं बना दिया, हमें खिंजीर नहीं बना दिया। ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे मौला, जिसने माओं में प्यार रखा, तेरे अपने अंदर बंदों के लिए कितना प्यार होगा। ऐ मेरे मौला, तूने जानवर में प्यार रखा, तू खुद अपने बंदों से कितना प्यार करता होगा। ये सारा मजमा आज तुझे मनाने आया है, आ जा मेरे मौला, तू भी आ जा, तू भी राजी कर, तू भी राजी हो जा, हमें हमें इन अंधेरों से निकाल ले, हमें भेड़ बकरी की तरह बेचा गया, हमें गैरों ने लूटा, हमें अपनों ने लूटा, हमें अपनों ने तबाह किया। रोजाना अखबारों में बच्चियों की इज्जतें नीलाम होती नजर पड़ते हैं, गर्दनें कटती पड़ते हैं, मासूम बच्चों को बोरियों में बंद अखबारों में पढ़ते हैं। ये यहूदी नहीं आए, ये ईसाई नहीं आए, ये हमारे अपने। अब थक गए मेरे मौला, जैसे बच्चा रो रो के कहता ना अम्मा हूं मैं थक पाया हूं, तो मेरी गाल सुन ले, मेरी मन ले, तेरी इज्जत की कसम ये थके पड़े ये अल्लाह, हम थक गए मेरे अल्लाह, हम थक गए। आजा राजी हो जा मेरे मौला। अरे आयशा मस्जिद के फरिश्तों किधर हो, अरे आयशा मस्जिद के फरिश्तों किधर हो, आ जाओ आ जाओ, ये मजमा रो रहा है तुम भी रो। आज हमने रब मनाना है, आज हम तुझे मनाना चाहते हैं अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, ये हमारे अल्लाह, ये हमारे प्यारे अल्लाह, ये हमारे महबूब मोहम्मद मुस्तफा के अल्लाह, सुन रहे ना तू, हम तुझे लाड कर रहे हैं, जिद भी कर रहे हैं, लाड भी कर रहे हैं, तेरे पास ना है तो कहां जाए, तुझे ना मनाए तो और कहां जाए, न कहीं जहां में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहां मिली, मेरे जुर्म खाना खराब तेरे अफ़े बंदा नवाज। लोग तो धुतकार रहे हैं, कोई काफिर कह रहा है, कोई गुस्ताख कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, हम तुझसे प्यार करते हैं, हम तुझे गवाह बनाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह पर, हम तुझे गवाह बनाते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह पर। अल्लाह मैं हम तुझसे प्यार करते हैं लेकिन हम गुनाहगार, हम तेरे नबी से प्यार करते हैं लेकिन हम गुनाहगार, हम जानबूझ के गुनाह नहीं होता हो जाता है, फिर हम पशमान भी होते हैं, अलग बैठ के आंसू भी बहाते हैं, तुझे राजी करने की मिन्नत भी करते हैं। मेरे मौला, आज करोड़ों इंसान के आंसू बहा रही है, आज करोड़ों फरियादें तेरे अर्श को हिला रही है, आज मान जा यार, मान जा मेरे रब, मान जा मेरे अल्लाह, तू आएगा तो काम बनेगा, तेरे करने से काम बनेगा। थक गए हम, थक गए, जैसे बच्चा चल चल के कहता माँ मैं थक पे, मैनू चाला मैनू चाला, हम भी चल चल थक गए मेरे मौला, अपनी रहमत की आगोश में छुपा ले,
सारी दुनिया का बातिल हमें ही निशाना बना रहा है, सारी दुनिया का बातिल हमारा ही मजाक उड़ाते हैं, हमारी लाशों पे नाचते हैं, हमारे ही घरों को जलाते हैं, हमारे घर बुलडोज होते हैं, हमारे ही मासूम बच्चों की लाशें तड़पते हैं, हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे माएं भेजती हैं स्कूल पढ़ने, वो छलनी सीने लेके वापस आती है, माँ उन्हें भेजा सफेद पोशाक पहनाकर और वो रंगीन पोशाक में घरों को वापस आए, ये मेरा देश है, तू आ जा, तू आ जा। हम हमारे ताकतवर थक गए, हमारे कमजोर थक गए, हमारे मालदार थक गए, हमारे गरीब थक गए, या अल्लाह हमें बातिल कहता है, बोलो अपने रब को किधर है तुम्हारा अल्लाह। किधर है, किधर है, है कायनात के चप्पे चप्पे में उसके जलवे हैं, आहा है, मेरी शरारत से ज्यादा गरीब में मेरे खून में है, मेरी मोटी उम्र में है, मेरे रगो रेत मेरे रूए रूए में है, कायनात के जर्रे जर्रे में पत्ते पत्ते में है, मेरा अल्लाह है, मेरा अल्लाह है, हाँ मुझसे रूठ गया है, मुझसे रूठ गया, मैं उसे मना रहा हूँ, मैं आज करोड़ों इंसानों के हाथ उठे हुए हैं, हर घर में रोने वाले बैठे हैं, रोने वालियां बैठी हैं, तेरी मेहनत करते हैं, मान जा या अल्लाह, बोला ही नहीं जा रहा, अल्फाज ही नहीं निकल रहे, दुआएं याद नहीं रही, जैसे बच्चा हिचकियों पे आ जाता है, रो रो थक जाता है, घुटनों में सर दे के बैठा रोता है, आज तेरे बेहसा हो गई, कहां से लाएं अबू बकर जैसे, कहां से लाएं उमर उस्मान अली जैसे, आए तेरा उमर मस्जिद में बैठा रो रहा था, लोगों ने पूछा क्यों रो रहे हो अमीरुल मोमिनीन, कहा दजला के किनारे कुत्ता भी प्यासा मरा तो उमर पूछा जाएगा तूने हमें किन के हवाले कर दिया, इन्होंने भेड़ बकरियों की तरह हमें पीस दिया, तूने कौन हमारे ऊपर बिठा दी, ए जिनका पेट भरता ही नहीं है, जिनकी हवस मिटती नहीं, मेरे अल्लाह ओ मोहम्मद मुस्तफा के अल्लाह आजा हमें अपनी रहमत की छांव में जगह दे दे, हमारे गुनाह माफ कर दे, हम तुझसे प्यार करते हैं तुझे गवाह बनाकर कहता हूँ, हम तेरे नबी से प्यार करते हैं गवाह बनाकर कहता हूँ, हम तेरे नबी के सहाबा से प्यार करते हैं गवाह बनाकर कहता हूँ, हम तेरे नबी के घरा हसन हुसैन से प्यार करते अली उनके घर के मरासी है लोग, हमें उनके नौकरों में जगह देते, हम अपने नौकरों का ख्याल करते, हम तेरे हबीब के दर के नौकर बनना चाहते, उनके घराने के नौकर बनना चाहते, हमारे पास अमल कोई नहीं, ये खाली झोली है, ये फटी हुई झोली है, जिंदगी गुजरी नेक बनने की कोशिश में, आज शाम होने को है, नहीं बन सके, नहीं बन सके, हमें माफ कर दे, हमें माफ कर दे, हमें माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे, कर देना माफ कर देना, माफ कर देना या अल्लाह, हमें माफ कर देना या अल्लाह, तू कह दे मैंने कर दिया है, तू कह दे मैंने कर दिया है, तू कह दे मैंने कर दिया है, तू कह दे मैंने कर दिया, हम तेरी दोजख नहीं सह सकते, हम रुसवाइयां नहीं सह सकते, अरे ओ फरिश्तों आओ, हम तो बेहाल है, तुम भी आंसू बहाओ, तुमने मरा रब मना के तो मान जा मेरे अल्लाह, मान जा मेरे अल्लाह, ये माफ करने की रात, हमने सबको माफ किया, हम सबसे माफी मांगी, तू भी हमें माफ कर दे, हमें दोजख में न डालना, हमें रुसवाई न दिखा दे, हमें जलील न कर, हमारे गुनाहों को किसी को पता न चले, हम तेरी मोहब्बत में मरना चाहते, हम तेरी मोहब्बत में मरना चाहते, मेरे अल्लाह हम तुझे प्यार करते, हम
तेरी मोहब्बत में मरना चाहते, हम इस दिल को गैरों की मोहब्बत से नहीं गदा करना चाहते। आए मेरे, आए मेरी बेकरारी को, मेरे साथियों की बेकरारी और करोड़ों इंसान मर्द औरतों की इस बेकरारी को कबूल कर दे, रहम कर दे, रहम कर दे, रहम कर दे, इस दिल को अपना अर्श बना दे, इस दिल को अपना अर्श बना दे, अपने अपने हबीब का प्यार डाल दे, अपने अपने हबीब का प्यार डाल दे। हमें दुनिया की रुसवाइयों से बचा, कब्र के झटकों से बचा, कब्र के अंधेरों से बचा, मैदान हशर की जिल्लत और रुसवाई से बचा। बड़ी खौफनाक घाटी आप बताई है तेरे कुरान ने, जब जन्नत आएगी दोजख आएगी, तू आएगा तेरा अर्श आएगा, तू कहेगा वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिम, आज मुजरिम अलग हो जाओ, ओए आले मर गए मेरे बोला, और तूने मुजरिमों में खड़ा कर दिया तो हमारा क्या बनेगा। ना करी मेरे अरबा, ना करी मेरे ना करी मेरे अरबा, तेन केड़ी थोड़े मेरे अरबा, तेन केड़ी थोड़े, तेन केड़ी थोड़े, तेरी रहमत तेरे गुस्से तू अग्गा खलोती है मेरे अरबा। तू खुद कह रहा है इन्ना रहमती सबकत गदबी, मेरी रहमत मेरे गुस्से से आगे है, हमें माफ कर दे। मेरे साथ जितनों ने हाथ उठाए उन्हें सबको माफ कर दे, मेरे देश को खूबसूरत देश बना दे, इसे नफरतों से पाक कर दे, इसे फिरकावारियत से पाक कर दे, इसे जुल्म सितम से पाक कर दे। मेरे देश के जालिमों को भी हिदायत दे दे, मेरे देश के डाकुओं को भी हिदायत दे दे, मेरे देश के कातिलों को हिदायत दे दे, मेरे देश के जालिमों को हिदायत दे दे, मेरे देश के नाफरमानों को हिदायत दे दे। तेरे हबीब के उम्मती हैं, तेरे हबीब के उम्मती हैं, उनके दिलों को धो दे, उनके दिलों को पाक कर दे, हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत के लिए चुन ले, चुन ले, चुन ले, इस दिल में कोई और ना आ जाए। ए मेरे रब, ए मेरे रब, ए मेरे रब, अल्फाज खत्म हो गए, समझ में नहीं आ रहा क्या कहूं क्या बकूं, लेकिन तुझे सारा पता है हमारी क्या जरूरत है, हमारी क्या ख्वाहिश है। राजी हो गया है ना, हो गया ना राजी, तो कह देना आसमानों में मैं राजी हो गया हूँ, कह देना या अल्लाह मैं राजी हो गया हूँ, कह देना या अल्लाह मैं राजी हो गया हूँ, कह देना या अल्लाह मैं राजी हो गया हूँ। मेरे वाला कितने तेरी दोजा खसीस ऐसे घड़ी है माफी दे दे, मेरे वाला दुनिया की रसवाइयों से बचा, दुनिया की रसवाइयों से बचा, मेरी पर्दा दरी देख, पर्दा पोशी फरमा, आखरत की रसवाइयों से बचा लो, जहन्नुम की आग से बचा लो। मेरे मालिक जन्नतुल फिरदौस दे दे हमें, अपने हबीब के आंसुओं के तुफैल दे दे, अपने हबीब की आहों के तुफैल दे दे, अल्लाह हौज़े कौसर का पानी दे दे, हौज़े कौसर का पानी दे दे, जितने लोगों ने हाथ उठाए हुए हैं बीमारों को सेहत दे दे, मकरूजों के कर्जे अदा करा दे, दुखियों के दुख दूर कर दे, मुझे अमराज के मरज दूर कर दे, पिछड़े हुओं को मिला दे, टूटे दिलों को आबाद कर, टूटे दिलों को आबाद कर, टूटे दिलों को आबाद कर दे। तुझसे मोहब्बत करते हैं, हमें अपनी मोहब्बत का जायका चखा दे, चखा दे, चखा दे। मेरे देश को रिश्वत से पाक कर दे, बदकारी के अड्डों से पाक कर दे, या अल्लाह सूद से पाक कर दे, सूद से खोट से पाक कर दे, शराब के अड्डों से पाक कर दे, जुल्म और सितम को मिटा दे, औरतों में पर्दा जिंदा कर दे, मर्दों में हया, नौजवानों में पाक दामनी जिंदा कर दे। या अल्लाह हमारे हुक्मरानों पर रहम फरमा, हमारी फौजों पर रहम फरमा, हमारे ताजरों पर रहम फरमा, हमारे जिम्मेदारों पर रहम फरमा, हमारे मजदूरों पर रहम फरमा, हमारी औरतों पर रहम फरमा,
ہمارے مردوں پر رحم فرما، ہمارے بچے بچیوں پر رحم فرما، چاروں صوبوں اور پوری دنیا میں پوری امت پر رحم فرما، پوری دنیا کے یہود کو ہدایت دے دے، عیسائیوں کو ہدایت دے دے، تحریوں کو ہدایت دے دے، ہندو سکھوں کو ہدایت دے دے، ہم سب کے خیر خواہ ہیں، ہم سب کے خیر خواہ ہیں، ہمیں یا اللہ اس عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، ذریعہ بنا دے، ذریعہ بنا دے، یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو رحم دل کر دے، ہمارے قاضیوں کو عادل کر دے، ہمارے تاجروں کو دیانت دار کر دے، ہمارے مالداروں کو سخی بنا دے، ہماری عورتوں کو حیادار بنا دے، ہمارے نوجوانوں کو غیرت مند بنا دے، ہمارے غریبوں کو خوددار بنا دے، چاروں صوبوں میں محبت پروان چڑھا دے، یا اللہ ہم تجھ سے اب دنیا کی بھی خیر مانگتے ہیں اور آخرت کی بھی خیر مانگتے ہیں، ہمیں موسم کی بارشیں عطا فرما، بے موسم کی بارشوں سے بچا، بے موسم کے طوفانوں سے بچا، بے موسم کی آندھیوں سے بچا، میرے مولا ہمیں نیک دل حکمران نصیب فرما، رحم دل حکمران نصیب فرما، یا اللہ اس اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما، جو ایمان پہ تیرے پاس آ گئے سب کی قبریں روشن فرما، سب کی قبریں روشن فرما، جب ہمارے جانے کا وقت آئے ہمیں ہم سے راضی ہو کر واپس بولا، ہم سے راضی ہو کر واپس بولا، ہم ایسے آئیں تیرے پاس کہ تجھ سے ملنے کا شوق ہو، تیرے آسمان سج جائیں، تیری جنت کے در کھل جائیں، تیرے حبیب استقبال، تیرے حبیب کے در پر حاضری ہو تو ہمیں گلے سے لگائیں، تیرے در بارگاہ میں حاضری ہو تو تم معافی کا پروانہ پکڑائے، یہ ہمارے نصیب فرما، یا اللہ تو ہماری اس مسجد محلے کو آباد فرما، یہ جتنے کیمرے والے آئے انہیں ان کی نسلوں کو آباد فرما، شاداب فرما، خوشحال فرما، نحال فرما، جن جن نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، جو جو ان کے اندر میں تمنائیں تڑپ رہی ہیں، تڑپ رہی ہیں، اپنے خزانوں سے پوری کر دے، پوری کر دے، پوری کر دے، پوری کر دے، وصلی اللہ تعالی النبی الکریم، یا اللہ اگر یہ شب قدر ہے تو اس کی ساری برکتیں ہمیں عطا فرما دے، اس کی ساری برکتیں ہمیں عطا فرما دے، اس کی ساری رحمتیں ہمیں عطا فرما دے، اس میں تو بخشش کا اعلان کرتا ہے، ہم سب کی بخشش کا اعلان کر دے، جتنوں نے ہاتھ اٹھائے سب کی بخشش کا اعلان کر دے، تو نے ہمیں یہاں کٹھے بٹھایا، ہمیں جنت میں بھی کٹھے بٹھانا، یا اللہ ہم جنت میں ایسے ہی کٹھے بیٹھے ہوں، تیری طرف سے جنت کا جام چل رہے ہوں، کھانے چل رہے ہوں، ہم سب کے یہ نصیب فرما، ہمارے روزے بھی قبول فرما، ہماری رات کی تراوی بھی قبول فرما، ہماری عائشہ مسجد کی تراوی قبول فرما، تمام مساجد کی تراوی کو قبول فرما، جو ہمارے ساتھی بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، یا ربنا یا غایت رغبتنا، یا مالکنا یا مالکنا یا خالقنا یا رازقنا، ما احسنک ما اجملک ما اکملک ما ارعفک ما اوصلک ما ابرک ما ارفعک ما اعزک ما اعلمک ما احسنک ما اجملک، میں کتنے الفاظ لوں، تیری تعریف کچھ نہیں ہے، بس تو راضی ہو جا، وصلی اللہ تعالی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.